सरोज सिंह जी, प्लीज आप भी अपना परिचय दे दीजिए सबको। आप अपना माइक ऑन कर लीजिए। नमस्कार, प्रयागराज से सरोज सिंह, अवध जन कल्याण समिति से। थैंक यू, वेलकम वेलकम। हमारे बीच कृति, अपना कृति माइक ऑन कर लो। हेलो, अब आवाज आई? आ रही है। ओके मैम, सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम कृति वाजपेयी है, मैं कानपुर से ही हूँ और एक एनजीओ चलाती हूँ मानव सेवा संस्था। उसके साथ हाइजीन पर एक कैंपेन भी रन कर रही हूँ #DonateRight के नाम से, जिसमें हम महिलाओं को फ्री ऑफ कॉस्ट बांट करवाते हैं सामान। और बस सोशल कॉज में जुड़ी हूँ, लाइफ के कुछ साल पत्रकारिता को भी दिए, बट अब फिलहाल आज की डेट में पूरी तरीके से सोशल वर्क को लेकर ही फोकस है और फीमेल्स को लेकर कुछ काम करना चाहती हूँ आगे इन फ्यूचर में। थैंक यू। मेरी बहुत अच्छी दोस्त, बहुत पुरानी, बहुत दिन बाद मिली है, पद्मा जी। पद्मा जी देखिए, पकड़ के ले आए आपको। चलिए अपना और बाकी लोगों को परिचय दीजिए, मेरे तो दिल में आप हैं। मैं भी नीलम को देख के बहुत खुश हो रही थी और नीलम बिल्कुल बदली नहीं है, ये बहुत अच्छा लग रहा है। ये बिल्कुल ठीक बात है कि नीलम को जानते हुए 30 साल से कुछ ज्यादा ही हो रहा है। जरूर, एकदम एकदम एकदम। आप सबके साथ परिचय नया हो सकता है, बट जैसा मैंने कहा कि मैं पिछले 30 साल से महिला सवालों के साथ जुड़ी हूँ और अपने स्तर पे हस्तक्षेप करने की कोशिश करती हूँ। हम लोग एक स्त्री मुक्ति संगठन के नाम से ग्रुप के साथ काम करते हैं, जो कि एक तरह से ये चाहता है कि समाज सेवा से ज्यादा समाज परिवर्तन की बात सोचता है कि वो रास्ता भी आए जहाँ हमें सेवा के बदले सशक्त बने। सिर्फ सेवा नहीं, सेवा तो कमजोर लोगों की जाती है, हम सशक्त महिलाएं बनाना चाहते हैं जहाँ हम लोग की सशक्त महिलाएं एक दूसरे की मजबूत कंधा बने। ये नहीं कि हम सिर्फ सेवा में रहें, तो एक तरह से हम अपने को सामाजिक कार्यकर्ता और सामाजिक बदलाव का कार्यकर्ता मानते हैं। समाज सेवा बहुत अच्छी भावना है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा समाज सशक्त बने, खासकर बहने, यही उसी उद्देश्य के साथ लगे हुए हैं। थैंक यू पद्मा जी। और देखिए मेरी एक अपनी दोस्त मीनू त्यागी, तबला से। हेलो मीनू। हेलो नीलम। हेलो, बहुत अच्छा लग रहा है नीलम जी। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है कि कोविड के बाद एक दूसरे को देख रहे हैं। बिल्कुल, बहुत खुशहाल हम लोग सब अपने उसको स्वस्थ पा रहे हैं। और आपने जो ये किया है तो बहुत सारे सहयोगी आज शायद कानपुर के शक्ल से देख पाएंगे। मैं अपना परिचय, मेरा नाम मीनू त्यागी है और मैं सबला संस्था की ऑर्गेनाइजर हूँ। पिछले 29 सालों से हम लोग परिवार परामर्श केंद्र के माध्यम से महिलाओं के उत्पीड़न को रोकने के लिए काम कर रहे हैं और इसी यात्रा में हम लोग लगे हुए हैं। बल्कि ये जो कोरोना महामारी का टाइम था, इसमें भी इतने सारी तरह के केस रहे जिसमें हम उस समय में भी काउंसलिंग करते रहे। यही हमारा उद्देश्य है कि हम अपनी महिलाओं को सशक्त कर सके और इसी के साथ देखिए हमारे बीच पायल एमपी से, जनसाहस से है। तो पायल, पायल आपको हमारी आवाज सुनाई दे रही है? हेलो पायल। चलो अर्चना, हमें लगता है, हाँ पायल हम याद है कि नहीं? पायल अपना परिचय दे दो। पायल आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है।
पायल आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलो अर्चना शुरू कर दो, तो बीच बीच में अपना परिचय देते हुए लोग बात शुरू करेंगे और हम लोग भी उनका परिचय देंगे, हम लोग तो सबको जानते ही हैं। नमस्कार, आज की वेबिनार में मैं सभी आगंतुकों का स्वागत करती हूँ। आज दूसरे है कि वर्तमान समय में महिला हिंसा का मेरी आवाज आ रही है प्लीज? आपकी हाँ आवाज आ रही है। आज का जो विषय है कि महिला हिंसा के बदलते हुए स्वरूप पर जो कानूनी प्रक्रिया और सुझाव को लेकर हम लोग बैठे हैं, ये मुद्दा अपने आप में बहुत गंभीर और बहुत बड़ा है। कोविड के चलते जिस तरह से एक अजीब सा परिवर्तन आया है पूरे समाज में, हर एक के मन में, कहीं ना कहीं उसने हमें बहुत कुछ सिखाया है और इसी उससे हम लोगों ने शायद ये तकनीकी भी खोजी कि अलग अलग शहरों में बैठकर अलग अलग जगह से हम एक प्लेटफॉर्म पर मिलकर कुछ इसलिए जो आज की वेबिनार है उसमें हमारी कोशिश है कि तीन तरह के लोगों को जोड़ा हुआ है। हेलो हेलो, ये जो वेबिनार है इसमें हम लोगों ने तीन तरह के लोगों को जोड़ा हुआ है। पहले वो जो सामाजिक चिंतनशील लोग हैं, जो समाज में दिशा परिवर्तन के लिए लोगों के लिए पिछले लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं और एक दिशा देने का काम कर रहे हैं, नारी सशक्तिकरण पे काम कर रहे हैं। इसके साथ ही वो लोग जो लीगल एक्सपर्ट हैं, जो किसी ना किसी विषय से जुड़े हुए विशेषज्ञ हैं, चाहे वो हमारे लीगल फाइटर्स हों, एडवोकेट्स हों या साइकोलॉजिस्ट हों, जो शायद महिलाओं के दर्द को और उन्हें एक नया आयाम दे रहे हैं, एक नई दिशा दे रहे हैं, और हमारे कुछ सर्वाइवर्स जिनको लगता है कि उनकी जो प्रॉब्लम है वो बहुत बड़ी है और शायद वो अपने आप को उस पीड़ित के जोन में रखते हैं या उस दिशा से आगे निकलने का प्रयास करें। हमने ये कोशिश की है कि हम उन सभी को एक प्लेटफॉर्म पे एकत्र करें। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगी, मैं चाहूंगी कि आज हमारी संस्था की जनरल सेक्रेटरी नीलम चतुर्वेदी जी इस वेबिनार में अपने दो शब्द रखें और हम लोगों को दिशा निर्देश दें ताकि विषय प्रवेश के साथ हम लोग आए। नीलम दीदी जी से मैं चाहूंगी थैंक यू अपनी बात को रखें। थैंक यू सखी केंद्र की ओर से हम आप सबका स्वागत करते हैं। हम लोग सखी केंद्र इस समय लगातार अलग अलग विषयों पे वेबिनार कर रहा है और उसकी वजह ये है कि हम लोग ऐसा सोच रहे हैं कि इस समय लोग क्या सोच रहे हैं, उनके व्यूज आने चाहिए, हम लोगों के व्यूज एक्सचेंज होने चाहिए और शायद आज जरूरत इस बात की है कि हम सब लोग जो लोग कुछ हो सकता है कि अलग अलग तरह से सोचते हों लेकिन अगर उनकी कुछ मुद्दों पर एक जैसी समझ है तो हम सब मिलके एक साथ बैठ के सोचें और एक साथ कुछ कैंपेन शुरू करें। तो इसलिए आज हम लोग जो बातचीत कर रहे हैं ये तो बहुत पक्की बात है कि महिलाओं के ऊपर हिंसा आदिम काल को अगर छोड़ दें तो उसके बाद से लगातार पैदा होने के पहले से लगा के और मरते दम तक महिलाओं के ऊपर हर तरह की हिंसा होती रहती है। यूनाइटेड स्टेट का भी मानना है कि पूरी दुनिया में अब तक जितने लोग आतंकवादियों के द्वारा दैवीय आपदाओं इन सारी चीजों को अगर हम जोड़ लें
तो जितने लोग मारे गए हैं उससे कई गुना ज्यादा सिर्फ हिंदुस्तान में नवजात बच्चियां मारी गई हैं और कोख में मारी जा रही है, और वो भी अपनों के द्वारा। हमारे यहाँ जो केसेस आते हैं, हम आपको बताएं, सिर्फ कानपुर की अगर हम बात कर लें तो एक महीने में 150, पहले तो 100 से 150 आते थे, अभी COVID-19 के बाद से हमारे यहाँ 200 से 250 केसेस आते हैं। लोग COVID-19 के द्वारा लॉकडाउन में अपने घरों में थे, लेकिन मेरे यहाँ ये हालात थे कि हम लोगों को और ज्यादा काउंसलर्स को रिक्वेस्ट करनी पड़ी। हमारे यहाँ 4-5 नहीं 10-10 काउंसलर्स बैठती थी। बहुत शायद जब भी कुछ होता है, शुरू से अब तक जो भी लड़ाइयां हुई, जो कुछ भी हुआ, महिलाओं ने हमेशा पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया। यहाँ तक कि अभी हम लोगों ने इस महामारी के दौरान भी देखा, COVID-19 के दौरान महिलाओं ने किस कदर से लोगों साथ देके और लोगों को राहत सामग्री पहुंचाना हो, तो कुछ हो, बहुत काम किया। उस समय महिलाएं ही ज्यादा महिलाएं दिख रही थी हर मोर्चों पर, लेकिन उस फिर भी क्या हुआ, महिलाओं पे हिंसा ज्यादा हो रही है। कोविड के दौरान 37% महिलाओं पे हिंसा बढ़ गई, ये महिला आयोग कह रहा है, राष्ट्रीय महिला आयोग, कई सारे लोग कह रहे हैं, हम लोगों के पास तो दिख ही रहा है, हम लोगों को सारी जगह। साइबर क्राइम 50% बढ़ गया, तो हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि महिलाओं के ऊपर किस तरह से, हम पिछली बातें नहीं लेते हैं कि हमने कहा आदिम काल को छोड़ दें तो महिलाओं के ऊपर हिंसा लगातार होती रही है, लगातार होती रही है, किसी काल में महिलाओं के उसको चाहे जो नाम दे दिए जाएं काल के कि वो ये काल था स्वर्णिम काल था, लेकिन महिलाओं पे हिंसा पैट्रियार्कल वैल्यू बेस्ड सोसाइटी तब भी थी और तब भी वो सबऑर्डिनेट थी। अगर हम कहें तो शायद वो अति नहीं होगी कि आज हालात फिर भी कुछ बेहतर हैं, क्योंकि हमने कुछ लोगों की बहुत आवाज आ रही है, तो प्लीज वो लोग अपने माइक ऑफ कर दें। तो आज अगर हम देखें तो हमने डेहरियां लांघी हैं, हमने कानून बनाए हैं, हम सड़कों पर अपनी आवाज बुलंद करते हैं, हम आज तो ये जो सारी चीजें हो रही हैं, शायद आज हम फिर भी बेहतर हैं, लेकिन अभी लगातार हमारी आवाज भी बंद की जा रही है, अभी लगातार महिलाओं पे जो हिंसा हो रही है, हम पॉलिटिकल बात कोई नहीं इस मंच से करना चाहेंगे, इस वेबिनार में नहीं करना चाहेंगे, लेकिन आज स्थितियां ये हैं कि COVID-19 की वजह से हमारे बड़े अधिकारी अधिकतर नहीं लोगों से मिल पा रहे हैं और स्थितियां बहुत बद से बदतर हुई जा रही हैं। कोर्ट के आप हाल देख रही हैं, कोर्ट की क्या स्थितियां हो गई हैं। आज हम सिर्फ COVID-19 के बाद जो स्थितियां हुई हैं उस पे ही नहीं, उसके पहले भी जो स्थितियां थी, हम उन सब पे आज चर्चा करेंगे। और आज जो COVID-19 के बाद जो स्थितियां और ज्यादा जो गड़बड़ हो गई हैं, हम इस पे चर्चा करेंगे। और जो सबसे ज्यादा चर्चा करेंगे कि कानूनी प्रक्रिया को और स्ट्रैटेजी को हम कैसे बेहतर बनाएं, हम कैसे अपने आस पड़ोस, अपने समाज की और अपने देश के हालातों को कैसे बेहतर करें, हमें इसको समझना होगा। और आज हमारे बीच इतने ज्यादा महत्वपूर्ण लोग हैं कि आज हम सिर्फ उनको सुनना चाहेंगे। तो आज वर्तमान समय में महिलाओं के ऊपर हिंसा के बदलते स्वरूपों को ध्यान में रखते हुए कानूनी प्रक्रिया, न्यायिक प्रक्रिया और रणनीतियों को कैसे बेहतर बनाएं, इस पर हम चाहेंगे आप सब लोग अपने ठोस सुझाव दें और क्या करना चाहिए। देखिए, करना तो हम ही लोगों को पड़ेगा, उसके लिए कोई दुर्गा, कोई काली, कोई जन्म नहीं लेने वाली है।
दुर्गा काली सब आप में है, सब हम सब में है। तो प्लीज हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे, अर्चना आगे मीटिंग बढ़ाइए और हम सुनना चाहेंगे लोगों को, प्लीज। अर्चना आपको हमारी आवाज सुनाई दे रही है? अर्चना पांडे आपको हमारी आवाज सुनाई दे रही है? जी तो प्लीज आगे मीटिंग शुरू करो। जी जी कुछ फोन आ गया था, शायद गौरव जी एंट्री नहीं ले पा रहे हैं, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आई, प्लीज दे दीजिए गौरव पांडे जी। और अब मैं चाहूंगी कि गौरव पांडे जी का फोन आया था, प्लीज देख लीजिए। मैं चाहूंगी कि प्रेसिडेंट प्राची त्रिपाठी अपने और इसके बाद हम लोग आगे बढ़े। सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। ऐसा अक्सर लोगों को लगता है कि पहले क्राइम रेट अभी के कंपैरिजन में कम था, लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि उल्टा है। अब क्राइम रेट पहले से कम है लेकिन तरीके बदल गए हैं। जैसे कि अभी नीलम जी ने डिस्कस किया कि जो साइबर क्राइम है उसका रेट बहुत बढ़ गया, बहुत ज्यादा। और पहले हम अपने दुश्मनों को पहचान सकते थे, दुश्मनों को हमारे पास तक आना पड़ता था हमें नुकसान पहुंचाने के लिए, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब हमें दुश्मन दूर बैठ के भी हमको नुकसान पहुंचा सकता है। इतने सारे तरीके हैं साइबर क्राइम के, लोगों के बैंक अकाउंट हैक हो जाते हैं, पूरे के पूरे पैसे निकल जाते हैं, और अभी इसको लेके लोग इतने अवेयर नहीं है। लोगों के ईमेल एड्रेसेस हैक हो जाते हैं, प्राइवेसी लीक हो जाती है, और लोग जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी इतनी ज्यादा उसको फैला रहे हैं, लोग इतना बढ़ावा दे रहे हैं, और उसकी वजह से इतने रेप भी होते हैं, क्योंकि मुझे लगता है पोर्नोग्राफी से सबसे ज्यादा लोग सिक होते हैं मेंटली। और लोग असली फोटोज डाल देते हैं, फेक आईडीज बना लेते हैं, लड़कियां कितनी परेशान होती हैं, इतना डिप्रेशन में आ जाती है, क्योंकि उनके घर वालों को कहीं ना कहीं लगता है कि हमारी बेटी गलत है, क्योंकि वो अभी अवेयर ही नहीं है इस क्राइम के बारे में। उनको लगता है कहीं ना कहीं इसने गलती की होगी, हो सकता है इसी की फोटो हो, लेकिन लोग किसी और का धड़ लगा देते हैं, किसी और का चेहरा लगा देते हैं। इतने तरह का क्राइम आ गया है जिसके बारे में लोग अभी जानते भी नहीं हैं। तो मुझे ये लगता है कि हमें इस क्राइम के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। हमारे यहाँ इतने सखी केंद्र में भी तीन चार केसेस तो मेरे सामने के हैं, जो मेरे पास आए हैं, कि किसी लड़की की फोटोज लीक कर दी, वीडियोज पीछे लगा है, उस तरह की हरकतें कर रहा है, तो उनका घर से निकलना बंद करवा दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं लड़की घबराती है अपनी आवाज उठाने के लिए। तो आज मुझे जितने भी लोग सुन रहे हैं उनसे यही गुजारिश है कि आप ज्यादा से ज्यादा इस क्राइम के खिलाफ आवाज उठाइए। आप अपने आसपास के थानों में जाइए, बात करिए कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, अपनी आवाज उठाइए, लोगों को अवेयर करिए। हम लोग इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोग अलग अलग क्षेत्र में काम कर रहे हैं। COVID-19 में एक जो सबसे अच्छी चीज हुई है कि अब हम लोग घर बैठ के अमेरिका तक में बात कर सकते हैं। हम लोग इतनी सारी वेबिनार ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो अपना घर बैठे बैठे कहीं भी कितने किसी भी जगह के पूरे इंडिया इंटरनेशनल हम लोग कैसे भी वेबिनार ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो हर इंसान जो यहाँ पे डिस्कस होता है, जो यहाँ पे तय होगा, वो अपनी अपनी क्षेत्र में इस पे काम कर सकता है। तो सबसे मेरी गुजारिश है कि इसको लेके हम सब मिलके कैंपेन चलाएं और लोगों के अंदर इस तरह का डर पैदा कर दें, ताकि वो आगे ये करने से पहले 100 बार सोचें। और जो लड़कियां हैं जो घबरा रही हैं, उनसे मेरा यही मैसेज है कि अपने आप को सामने लाओ, अपनी बातें पुलिस को बताओ कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, ताकि वो आपकी हेल्प करें। हमारे जैसे संगठन है जो आपकी हेल्प करने के लिए तैयार है, हम लोगों के पास आ सकते हो आप। जो भी प्लेटफॉर्म है वहां पे जाइए और लोगों को बताइए, और जो लोग हमारी बातें सुन रहे हैं उनसे यही गुजारिश है कि इसके खिलाफ अवेयरनेस फैलाएं, इसके खिलाफ एक कैंपेन चलाएं, और हम बस इस क्राइम रेट को कम करना है। किसी तरह
ये साइबर क्राइम के रेट को हम लोगों को मिलकर कम करना होगा। थैंक यू। थैंक यू प्राची जी। अभी हमारे दो अतिथियों ने हमें और ज्वाइन किया है। मैं गौरव पांडे जी का इस वेबिनार में स्वागत करती हूँ, साथ ही हमारी दोस्त नाहिद अकील, बहुत बात हम लोग दिखे हैं एक साथ, तो बहुत बहुत स्वागत है आज की वेबिनार में। और अब मैं चाहूंगी, बिल्कुल प्राची ने सही कहा कि जिस तरह से साइबर क्राइम इस दौरान बढ़ा है, उसे हम जैसी संस्था के लोग जब सपोर्ट के लिए जाते हैं, हमें ऊपर के स्तर पे तो बात होती है कि जेंडर संवेदनशीलता की बात हुई है, लेकिन जब हम पुलिस थाने में उस पीड़िता को लेके जाते हैं तो कई बार हमें जो क्षेत्रीय स्तर पर सपोर्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिलता, बल्कि उल्टे हम लोगों के साथ इस तरह से हमको वहां पे बैठे हुए लोग देखते हैं कि यार हम लोगों ने बहुत अपराध कर दिया, जो इस विक्टिम को लेके आए कि नहीं आप उसके लिए FIR लॉन्च करिए या इस तरह का करिए। तो इस पूरे सिनेरियो में बहुत सारी चुनौतियां हैं लोगों के सामने। मैं चाहूंगी कि हमारे बीच सुधा रानी जी हैं जो लखनऊ CWC से हैं, वो मेरे को सुन पा रही है, तो प्लीज वो अपनी बात रखें क्योंकि उनका जो काम है वो बहुत बेसिकली जो माइनर गर्ल चाइल्ड है और इस तरह के जो केसेस हैं उनको बहुत ही मतलब बहुत दिल से देख रही हैं और बहुत कुछ कर रही हैं उनके लिए। तो मैं सुधा जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपनी बात रखें और हम लोगों को सुझाव दे ताकि हम लोग आगे एक प्लेटफॉर्म पे काम कर सके। सुधा जी प्लीज। सुधा जी तक मेरी आवाज आ रही है? सुधा रानी जी शायद वो हम लोगों को सुन नहीं पा रहे हैं। सुधा जी, सुधा रानी CWC। थोड़ी कुछ तब तक मैं चाहूंगी कि हमारे बीच में सुधा जी तक हमारी आवाज आ रही है? यस मैम, आ रही है। जी जी, तो प्लीज आप अपनी बात रखिए। हेलो, आवाज आ रही है ना? जी। पहले तो आप सभी का, अर्चना जी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। और मेरा नाम सुधा रानी है, मैं बाल कल्याण समिति लखनऊ की सदस्य हूँ। और बच्चों के लिए मैम शायद आपका वीडियो नहीं ऑन है, प्लीज वीडियो ऑन कर ले। थैंक यू मैम। देना चाहती हूँ पहले दिन से आप सभी को, वाकई में बहुत इतने वंदन मुझे आमंत्रित करने के लिए। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके एक जगह हम कुछ महिलाओं के हित में बात करेंगे। तो अब मैं आप सबके साथ जुड़ चुकी हूँ और आप सबके जो भी क्वेरी होंगी, जो भी आप सब जानना चाहेंगे, मैं पूरा प्रयास करूँगी कि उन सवालों के जवाब में बहुत सरलता पूर्वक रख पाऊँ। तो मैम प्लीज आप कंटिन्यू करिए। अर्चना आपका फोन जो माइक है वो ऑफ है। सुधा जी आप अपने सुझाव दीजिए कि वर्तमान समय में महिलाओं के साथ जो हिंसा हो रही है, जो छोटी छोटी बच्चियों के साथ क्राइम हो रहा है, उस क्राइम को हम लोग कैसे कम कर सकते हैं। और सवाल जवाब का सेशन बिल्कुल लास्ट में होगा, शायद किसी की क्वेरी अगर रह जाएगी तो इस पे हम लोग बात करेंगे। तो प्लीज आप अपने सुझाव दीजिए। थैंक यू मैम। चाहते हैं और महिलाएं भी, क्योंकि जिसके बीच भी बच्चा होता है पत्नी पत्नी के बीच में, तो वो महिला का भी केस हम ही लोगों के पास आ जाता है। और ज्यादातर ऐसे केसेस मैम आशा ज्योति केंद्र से आते हैं। तो हम ये कहना चाहेंगे कि सबसे पहली चीज तो है कि हम सभी जो भी महिलाएं
इन सारी चीजों से जूझ रही हैं, उनको सबसे पहले तो अपनी मानसिक रूप से उन्हें स्ट्रांग होना होगा, ताकतवर बनना होगा, क्योंकि कहीं भी हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर हमारे साथ कुछ भी गलत किसी भी गलत हो रहा है तो उससे डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जितने सारे लोग, जितने मदद करने वाली जो भी संस्थाएं हैं या जो भी ऐसे इंस्टीट्यूट हैं, वो सदैव महिलाओं के हित के लिए खड़े हैं। जैसे कि जो भी अगर कोई महिला घरेलू हिंसा से पीड़ित है, तो वो सबसे पहले तो अगर ऐसा कोई उसके साथ घटना रात में हुई, दिन में हुई और उसकी कोई मदद नहीं कर रहा है, तो सबसे पहले तो वो पुलिस को जाकर के इन्फॉर्म करे। और पहली चीज 181 एक ऐसी कड़ी है जहां पर उसे डॉक्टरी, वकीली सलाह, कानूनी सलाह और पुलिस और डॉक्टरी, ये सारी चीजें मैम मिलेंगी। तो सबसे पहले तो 181 जो है एक बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है महिला कल्याण विभाग का, जहाँ पे महिलाओं को जाकर के अपनी बात को रखना चाहिए। अगर वहां से कोई संतुष्टिजनक उनको मदद नहीं मिल पाती है तो ये कोर्ट में भी अप्लाई कर सकती है, वकील के माध्यम से अपनी बात को रख सकते हैं। ऐसे केसेस को बाल संरक्षण अधिकारी जो है वो भी देखते हैं, उनके पास जाकर के भी ये लोग मिल सकती हैं, क्योंकि हम लोगों के पास मैम जब भी वो बच्चे को लेकर केस आते हैं तो हम लोग भी मैम बाल संरक्षण अधिकारी के पास इनको भेजते हैं कि बच्चे का केस तो हम लोग देख लेंगे, लेकिन महिला से संबंधित जो भी दिक्कतें हैं वो बाल संरक्षण अधिकारी को हम लोग भी लिख देते हैं कि इनके ऐसा संभव मदद करें। धन्यवाद सुधा जी। मैं अब चाहूंगी कि हमारे बीच में नाहिद जी है जो बहुत लंबे समय से बहुत जुझारू तरह से लखनऊ में एकल नारी के लिए, अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए हर समय मोर्चे पे खड़ी रहती हैं। तो इसी कड़ी में चूंकि लखनऊ रीजन से बात हो रही है तो वो भी हमें सुझाव दे कि महिलाओं के ऊपर इस समय जो हिंसा है उसको हम लोग कम करने के लिए क्या रणनीति अपनाए कानूनी स्तर पर और एज ए नाहिद जी हमें सुन पा रही हैं? नाहिद अकील प्लीज। नाहिद, हाय नाहिद, प्लीज अपना माइक ऑन करो। मुझे लगता है बाकी के लोग अगर थोड़ा सा अपना अपना माइक बंद कर लेंगे तो ये आवाज का डिस्टरबेंस थोड़ा सा कम हो जाएगा। नाहिद जी हमारी बात सुन पा रही है प्लीज? हाँ नाहिद जी, जी बोलिए। देखिए जो आज का सब्जेक्ट है यही है कि कोविड के दौरान किस किस तरह के केसेस और नए तरह के स्वरूप में आए और उस पर सुझाव क्या है। पहले तो हमें गांव से लेकर अभी तक एक मोटा मोटा जो गंज सुन लेना चाहिए कि किस किस तरह के नए स्वरूप चेंज हुए हैं। कोविड के दौरान जब घर में अंदर रहने के लिए महिलाओं को कहा जा रहा था, वो राशन की दुकान पर गांव में देहात में जब जाती थी तो वहां कोटेदार और प्रधान ने ही मिलकर उसको ब्लैकमेल और रेप किया। उसके अलावा एक बहुत बड़ी चीज है जो कभी सरकार नहीं देखती है वो ये कि आज की डेट में बुरी तरह SMS आ रहे हैं और इस कोविड में जो सबसे ज्यादा हरासमेंट, फिजिकल हरासमेंट हो रहा है वो नए तरीके से औरतों का है। जो गरीबी या आर्थिक महामारी चल रही है, आर्थिक मंदी चल रही है, उसमें सबसे ज्यादा औरतों पर पड़ा है वो इस तरह से फिर एक नए तरह का प्रोस्टिट्यूशन उभर रहा है। अगर हम सभी अपने अपने SMS में देखें, रोज फ्राइडे से ज्यादा तेज SMS बढ़ता है। आप
को अपने क्षेत्र में अगर डेटिंग के लिए लड़कियां चाहिए अपने पसंद की तो 100% प्राइवेसी रहेगी और बाकायदा पहले बने बनाए ऐप्स में साथ देते और आप फोन नंबर के साथ आते इस नंबर पे कॉल करें आपके क्षेत्र में आपको लड़कियां उपलब्ध होंगी डेटिंग के लिए चैटिंग के लिए या जो भी फिजिकल आपको रिलेशन बनाना है तो क्या ये बिना सरकार के आग निजी योगी हो रहा है इस तरह से ये एसएमएस आ रहे क्या है ये एसएमएस उन अधिकारियों के पास भले एसएमएस नहीं पहुंचते हैं सैटरडे नाइट संडे नाइट फ्राइडे ये लगातार शुरू हो रहा है इस दौरान थानों में जो आते गए मदद के लिए पुलिस वालों ने बड़ी तादाद में पुलिस वालों ने उनके साथ किया तो मुझे लगता है कि सबसे पहले जरूरी बात ये है कि हम अपना डर निकाल दें और सीधे सरकार के खिलाफ बोलना शुरू करें और उनसे काम लेना शुरू करें अगर किसी महकमे का सरकारी कर्मचारी शामिल है तो सीधे उसको सैक करना चाहिए नौकरी से लेकिन वो विभागीय बात हो जाती है तो कोई भी विभागीय हेड उसको सैक करने के लिए तैयार नहीं होता बात रफा दफा हो जाती है तो ये सारी चीजें हैं कि हमें कानूनी एफआईआर करने जाती है थाने में एफआईआर नहीं हमारी लीगल सेल इतनी मजबूत होनी चाहिए कि हम उसको एफआईआर कराए लिखवाए वो बहुत जरूरी है लीगल अवेयरनेस क्योंकि लीगल अवेयरनेस और अवेयरनेस के साथ साथ हमें फ्री एड लीगल फ्री एड क्योंकि आमतौर से सामाजिक जगत में जो काम के लिए पैसे दिए जाते हैं दिखने वाले काम के लिए दिए जाते हैं जो लंबे समय तक काम करते हैं उसके लिए कोई डोनर एजेंसी तैयार नहीं होती है उनके साथ काउंसलिंग करने की जरूरत है पैरवी करने की जरूरत है कि जो ये इस तरह के हरासमेंट केसेस हो रहे हैं उसके लिए भी वो फंड दें क्योंकि एक केस में कितनी बार हेयरिंग में जाना पड़ता है आवाज नहीं आ रही अर्चना मुझे लग रहा है कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम हो गई है नाहिद के साथ तो हेलो नाहिद मैं चाहूंगी कि जो आपकी बातें हैं शेष हम लोग दोबारा सेशन में बात कर लेंगे अभी नाहिद के साथ कुछ तकनीकी प्रॉब्लम चल रही है अर्चना तब तक और किसी का नाम बोलो नेक्स्ट आगे चलो नाहिद बाद में अगर उसको कुछ कहना होगा तो इसकी वजह से कुछ सुनाई नहीं दे रहा है हाँ कोई बात नहीं बाकी अपने माइक बंद कर ले डॉक्टर लकी चतुर्वेदी जी है बहुत अच्छा काम है वो स्पेशली ट्रेनर है ऑल इंडिया को सभी आप बात रखें अपनी और सुझाव दें हम लोगों को लकी चतुर्वेदी जी धन्यवाद अर्चना आवाज आ रही है आशा बहुत अच्छी आ रही है हमारा आज का विषय था कि जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य है वर्तमान काल है कोविड 19 का जो ये पैनोरामिक है इसमें हम स्त्रियों की स्थिति क्या हो गई है और उसके लिए क्या कानूनी प्रक्रिया बनाई जाए ताकि थोड़ी हमारी स्थिति अच्छी मैंने ये महसूस किया है कि पिछले 5-6 महीनों से तकरीबन मार्च से शुरू हुआ ये हमारा कोरोना का समय लॉकडाउन का समय और हमें पुरुषों के घर में रहने की आदत नहीं थी कि वो 24/7 हम उन्हें देखे उससे पहले जो है हमारा श्रृंगार बहुत उच्च स्तर का था और प्रेम भाव बहुत ऊंचा था
लेकिन जब वो सपनीली चीज हकीकत में उतरी और जमीन पर आई और जब पति 24 घंटे घर में रहने लगे तो उनकी डिमांड्स भी बहुत अलग तरह की आई और ये लगने लगा कि इस व्यक्ति को तो शायद हम जानते ही नहीं थे। जाके इन टर्म ऑफ सेक्सुअल डिमांड्स हो, टर्म ऑफ डाइनिंग डिमांड्स हो, और एक तबका ऐसा भी है कि जहां पर आर्थिक स्थिति चूंकि डावाडोल हुई, हमारी अर्निंग्स प्रभावित हुई, तो जो महिलाओं का बेसिक जो हक है, खाना है, मेडिकल असिस्टेंस है, तो उस मेडिकल नेगलिजेंस को महिलाओं ने बहुत झेला है और अभी भी झेल रही है। जिनको दवाइयों की सख्त जरूरत थी वहां परिवार को और पुरुषों को एक बहाना मिल गया कि हमारे पास आय नहीं है, जबकि वही पुरुष शाम को अपने हिस्से का नशा करके बड़े आराम से घर आता है, लेकिन उसके पास ये कहने के लिए कि नहीं मैं थायराइड की दवा नहीं खरीद सकता, मैं ब्लड प्रेशर की दवा नहीं खरीद सकता क्योंकि मेरी आय नहीं है। तो ये जो स्थितियां हुई, मानसिक प्रेशर हुआ और 24 घंटे की एक टोका टाकी घर में हुई, इसने बहुत प्रभावित किया है। तुम घर को संभाल कर नहीं रखती, बच्चे को ऐसे रखा है, ये कपड़े टाइम से क्यों नहीं धुले, ये कपड़े यहाँ क्यों पड़े हैं, इस तरह की तमाम चीजें छोटी छोटी। तो मुझे लगता है कि एक बड़ी महत्वपूर्ण, अभी हमारी एक वक्ता कह रही थी कि सरकार के पास, सच है कि सरकार को अपना लीगल सेल और अपना जो एक्शन प्लान है उसमें परिवर्तन लाना चाहिए, लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज ये भी है जो प्राची ने भी कही कि हमें अपने अंदर से जो शिकायत के स्टेप आउट करना है उसको अपनी प्रस्तीस से आज भी हम जोड़ कर रखते हैं। हमें लगता है कि हम शेयर नहीं करेंगे, बहुत हमारा मूड ऑफ होगा तो हम सोशल साइट्स पर उस स्टेटस को डाल देंगे। एक एक साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट का तरीका बदल गया है, हम ट्विटर्स पे डिफरेंट तरीके से ट्वीट कर देंगे, लेकिन अगर आप उसी महिला से कहिए कि किसी एनजीओ से संपर्क कर ले या शिकायत करे या क्राइम के खिलाफ एक बुलंद आवाज लगाए, तो वो उसके लिए मुश्किल होगा। हालांकि COVID-19 के कुछ फायदे भी हुए हैं, कुछ परिवार ऐसे भी हैं कि जहां समयाभाव के कारण रिश्ते बहुत पनप नहीं रहे थे तो वहां बहुत स्ट्रॉन्ग भी रिलेशनशिप्स हुए हैं, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण बात है कि कानूनी प्रक्रिया में जो भी संशोधन है, जो भी हम एक्शन प्लानिंग करें, उसमें मेडिकल का खर्चा बहुत स्पष्ट रूप से उसमें शामिल होना चाहिए कि शादी के बाद अगर पत्नी अर्जन करती है तो भी और नहीं अर्जन करती है तो भी, जैसे और जिम्मेदारियां हैं वैसे ही मेडिकल के खर्च को शामिल किया जाए। सेक्सुअल डिमांड्स की एक सीमा तय है, सेक्स डिवाइस नहीं है पत्नी, इस चीज को बहुत अच्छे से समझना चाहिए। इधर मैंने देखा एक मेरे ही बहुत क्लोज व्यक्ति एक चैट में फंस गए, जैसे प्राची कहाँ है मुझे नहीं दिख रही है, प्राची ने कहा, और वहां से एक फेसबुक आईडी से उनको फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट भेजी गई, उसके बाद चैटिंग शुरू हुई, फिर व्हाट्सएप का नंबर आदान प्रदान हुआ, और उसके बाद उस महिला और उनके पति ने पासबुक की फोटोकॉपी उस पर फोटो क्लिक करके पोस्ट कर दी। जो व्यक्ति जो चैट कर रहा था उसने उस अकाउंट में धीरे धीरे पैसे डालने शुरू किए, जब परिवार का हस्तक्षेप हुआ तब ये रुका। इस तरह के क्राइम बहुत पनपे हैं कि लॉकडाउन है, हमारी स्थिति बहुत कमजोर है, चैटिंग है, लव जिहाद है। ये लव जिहाद को धर्म विशेष से न जोड़ा जाए। लव जिहाद का मतलब है जहां पर पर्पसली हम एक रिश्ते को डेवलप करते हैं और उसको एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी चीजों को जब हम एक डिसीजन मेकिंग की स्थिति में जा रहे हैं, पॉलिसी मेकिंग की स्थिति में जा रहे हैं, तो इन इनपुट्स को बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो छोटी छोटी चीजें कि घर पे काम का एक निश्चित बंटवारा हो, पति भी करेगा, सेक्स के लिए जो है वो सीमा निर्धारित करी जाए, सेक्स डिवाइस के तौर पर इस्तेमाल न किया जाए, मेडिकल का खर्चा है, मानसिक सुकून के लिए घर में पति है तो प्राइवेसी थोड़ी सी पत्नी को मिलनी चाहिए, एक जो मी टाइम है वो स्पेसिफाई होना चाहिए कि चाहे वो काम झाड़ू पोछा करती हो, चाहे वो किसी प्रोफेशनल एक्टिविटीज में इंडल्ज हो, लेकिन उसके पास अपने लिए घंटे दो घंटे एक कप चाय पीने की फुर्सत होनी चाहिए, वो कुकिंग क्लासेस नहीं चला रही घर में। तो मुझे लगता है कि छोटी छोटी चीजें हैं जो महत्वपूर्ण हैं, और किसी भी कीमत पर अगर कोई परेशानी है तो उसको स्वयं तक ना रख के आगे बढ़कर शेयर करें। आज समय बहुत बदल गया है, जितने भी काउंसलर्स हैं
उनको बहुत अच्छी तरह ये पता है, सखी केंद्र बहुत खूबसूरत काम करता है, उन्हें पता है कि कहाँ पर उनके डूज एंड डोंट्स क्या हैं, उन्हें कहाँ क्या शेयर करना है, कितना नहीं करना है, तो उस डर के बिना कि मेरी बातें मेरे घर तक पहुंचेंगी, निसंकोच अपनी बातों को शेयर करें। और हर पढ़े लिखे आदमी को भी असिस्टेंस की जरूरत होती है, काउंसलिंग की जरूरत होती है, इसको अपनी एजुकेशन से ना जोड़ें। तो अर्चना थैंक यू सो मच, और प्राची अर्चना इन लोगों को देखकर बड़ी मतलब बहुत अच्छा डेवलपमेंट है भाई। धीरे धीरे मुझे लगता है कि आइकॉन बन गए हो, आदर्श बन गए हो मेरे, है ना प्राची, बहुत अच्छा बोला तुमने। थैंक यू, थैंक यू अर्चना, मुझे लगता है बात पूरी हो गई। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। एक्चुअली ये जो साइबर क्राइम, हाँ, एक्चुअली साइबर क्राइम से इतने लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, ऐसे लोग आपकी भी बहुत नहीं, डेफिनेटली लोग सुसाइड भी कर लेते हैं, लोगों की पूरी दिमाग मुझे निकल जाती है। Even we should identify the reasons of suicide and never, never manage suicidal tendency. We have to go directly to psychiatrist and counselor. ये बहुत जरूरी है कि हम कोशिश करते हैं, नहीं नहीं मन बहला लेंगे, चाची से बात कर लेंगे, मामी से बात कर लेंगे और ठीक हो जाएगा। अगर सुसाइडल टेंडेंसी है तो सीधे सीधे डॉक्टर के पास जाइए। जी जी जरूर। थैंक यू सो मच। थैंक यू लकी जी, आपने बहुत अच्छे विचार रखे और निश्चित तौर पे हम लोग इस बात को भी अपनी काउंसलिंग सर्विसेज में अडॉप्ट करेंगे। अब मैं चाहूंगी कि हमारे बीच आशीष चंद्र शर्मा जी हैं जो NYK के छत्तीसगढ़ रीजन से हैं और मोटिवेशनल ट्रेनर भी हैं। आपका बहुत काम है, एजुकेशन एकेडमी में प्रोफेसर हैं आप, तो आपका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छे से वो समाज के बीच में काम कर रहे हैं। मैं चाहूंगी कि आशीष चंद्र शर्मा जी अपनी बात रखें और हम लोगों को आज का जो विषय है उससे संबंधित सुझाव दें, जिससे कि हम लोग आगे भी दिशा निर्देश मिले और हम लोग एक अच्छे दिशा में काम कर सके। नमस्कार अर्चना जी, सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी बिल्कुल सुन पा रहे हैं। ओके, थैंक यू, आपने मुझे मौका दिया, बहुत धन्यवाद। और सखी केंद्र में बहुत पास से भी जान रहा हूँ, जानू, और बहुत अच्छा ये हेल्पिंग है, है ना। और हम लोग जो काम कर रहे हैं या आज का जो COVID-19 का जो पेंडेमिक चल रहा है, ये वाकई में बहुत सोचने वाली बात है कि हर व्यक्ति के लिए जब तक वो काबिल था, जब तक वो टैलेंटेड था, जब तक उनका उसके टैलेंट के लिए उसको पे किया जा रहा था, कोई अच्छे प्रोफेशन में था या कोई अच्छा काम कर रहा था, अचानक से काम जो है वो बंद हो गया। अब जब काम बंद हो गया तो उनके पास समस्या ये हो गई कि हमारा इनकम कैसे आए। और मैंने पहले वक्ताओं को सुना, बहुत अच्छा लगा मुझे कि जब हमारा काम बंद हो गया और काम बंद होने के बाद में सीधा सीधा जो असर जो है वो महिलाओं पर, हमारे बहनों पर आने लगा कि हमारा घर का खर्च जो है वो कैसे चला। रोज का प्रश्न यही रहता है कि घर का खर्च जो है वो कैसे चले, आज का दिन कैसे निकले और दिन कैसा पूरा। सबके अलग अलग रिसोर्सेज हैं और मैं रिसोर्स पर्सन हूँ, ट्रेनर हूँ नेहरू युवा केंद्र छत्तीसगढ़ से, और लगातार 2011 से मैं नेहरू युवा केंद्र के साथ काम कर रहा हूँ। इसी की वजह से मुझे बहुत सारा वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी काम करने का मौका मिला, युवती मंडल और महिला मंडल बना करके जाकर के समस्याओं को जानने का मौका। मेरा सिर्फ यही एक कहना था कि जो कॉन्शियस रहे, जागरूक रहे, अपने प्रति जागरूक रहे, क्योंकि आजकल जो है जब तक आप जागरूक नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, तो बहुत दिक्कत है। और छोटी छोटी बातों को हम लोग क्या पूरा निग्लेक्ट करते हैं। जब भी हम कोई नया अपना मोबाइल या साइबर क्राइम को भी लेकर के बात करते हैं, जब भी हम कभी नया मोबाइल लेते हैं या सेकेंड हैंड मोबाइल लेते हैं, तो हम क्या करते हैं, सीधा उठा करके अपना सिम लगा देते हैं, अपना पर्सनल जो इंफॉर्मेशन है वो हम लॉगिन कर देते हैं। अगर सेकेंड हैंड मोबाइल है, हो सकता है कि वो किसी और के नाम से रजिस्टर्ड हो या और कोई किसी का ईमेल उसमें लगा हो, तो इसमें डाटा, अपना डाटा लीकेज होने के चांसेस बहुत सारे रहते हैं। तो सुरक्षा ही करना जरूरी है, और जितना ज्यादा अवेयर रहें
साइबर क्राइम को लेकर के अभी हमारे छत्तीसगढ़ में एक बहुत अच्छा अभियान चल रहा है साइबर मित्र साइबर मितान करके, जिसमें बिलासपुर से सरकंडा ग्रुप से बहुत सारे हमारे युवा लोग जुड़े हैं, पुलिस टीम जुड़ी हुई है, और वो अवेयर करते हैं कि कैसे हम जो हमारा जो वन टाइम ओटीपी आता है या जिस चीज के लिए हम रजिस्ट्रेशन करते हैं, जिस चीज को बहुत सरल होता है, बहुत बहुत साधारण तरीका से उस पे स्टेप बाय स्टेप आपको बताया जाता है कि आप अपना नया जब एटीएम एक्टिवेट कर रहे हैं तो कैसे उस पर एसएमएस करें, कैसे आप प्रोसीड करें, क्या क्या स्टेप है, और अपने आप को खोलने लगे और वो वन टाइम ओटीपी आ गया अपना जनरेशन कर सकते हैं। ऐसा कोई भी चीज मैं नहीं समझता कि महिलाएं जो है वो समझने में, और खास करके हमारे हिंदुस्तान की महिलाएं जो ऐसे समझने में उनको समझ ना आए, ऐसा कोई बात नहीं है। सब चीज सिंपल रहता है आजकल, हिंदी अलग अलग लैंग्वेज में भी डिस्क्राइब किया, सिर्फ एक ही चीज ये रह गया है कि आपको जानना है, समझना है और अपने स्तर से जानना सकते, ये मेरा एक अच्छा सुझाव है। और दूसरी बात यह है कि बहुत अच्छा विषय हम लोग लेकर के चल रहे हैं, बहुत अच्छा टॉपिक पे चल रहा है कि भाई महिलाएं जागरूक, देखिए अगर एक महिला बहुत अच्छी जागरूक है तो वो अपने फ्रेंड को बता सकती है, अपने साथ बहुत 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 सारे लोगों को भी अवेयर कर सकती, और मुख्य तो अवेयरनेस ही एक बहुत अच्छा, अवेयरनेस ही एक वेपन है, अवेयरनेस ही एक ऐसा मतलब इतना जो हमारा पैनाडेमिक काल चल रहा है, अवेयरनेस आप सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल रूल फॉलो कीजिए, बिल्कुल रूल फॉलो कीजिए, और ये अच्छा भी है, हम सबके लिए अच्छा है कि दो गज दूरी से हम अपने बात रखें, मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइजर का उपयोग करें, हम अपना साफ सफाई का उपयोग करें, स्वच्छता को लेकर के पैनेडेमिक के बाद पैनेडेमिक के समय में सबसे बड़ी बात ये हो गई है कि सबको अपने हेल्थ के लिए अवेयरनेस जरूरी है, और महिलाओं के साथ साथ में और भी हमारे पुरुष मित्र हैं उनसे भी मैं निवेदन करना चाहूँगा कि अगर घर में रह रहे हैं तो हाथ बटाएं, बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगी, बहुत सारी चीजें आप सीखते हैं जान रहे हैं, बस आपको हेल्प करके चलना है, कोऑपरेट करके चलना है, एक दूसरे में बहुत सारी टैलेंट है, बहुत सारा अच्छा चीज है जो आप लोग कर सकते हैं जो मैं नहीं, बहुत सारी अच्छी चीजें हैं जो मैं कर सकता हूँ आप, बट यहाँ पर हम कंपटीशन में ना करके एक दूसरे की कमजोरी को पूरा करके कंप्लीट करके और एक दूसरे के प्रॉब्लम को प्रॉब्लम समझना दोनों को पड़ेगा, सबको समझना पड़ेगा, और प्रॉब्लम समझ करके बहुत अच्छे हमारे काउंसलर्स उनसे बात करें, और बहुत बहुत शुभकामनाएं चाहता हूँ अर्चना मैडम जी को, बहुत अच्छा मौका मुझे दिया बोलने का, बात करने का आप लोगों के बीच में, मैं तो छत्तीसगढ़ से हूँ, बहुत लोग काम कर रहे हैं, महिलाओं को लेकर भी काम कर रहे हैं और नेहरू युवा केंद्र की तरफ भी लोग काम कर रहे हैं, तो उसी तरह उसी हमारा जो कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है जिसमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट्स को लेकर के हम बात करते हैं, तो इसीलिए कुछ हम हमारे आपके सखी केंद्र के स्पीकर्स को भी हम लोगों ने बुलाया था, और इसी तरीके से वन नेटवर्क को मुझे जानने का मौका मिला, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये है कि हम जो है अपने स्तर पर सतर्क होना बहुत जरूरी है। थैंक यू मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद, नीलम मैडम बहुत धन्यवाद, हालांकि मैं आप लोगों से बहुत ज्यादा परिचित तो नहीं हूँ, पर ऐसा लग रहा है कि आप लोगों से बातें करके ऐसा लग रहा है कि हम बहुत से जान रहे हैं, समझ रहे हैं, विचारें हमारे मिल रहे हैं, और हम लोग हर जगह जहाँ भी रहें, भारत के किसी भी कोने में रहें, हम लोग जो है वो अपने इस अभियान को लेकर के चल रहे हैं, और साइबर मित्र अभियान एक तरह हमारा इसी तरीके पर भी हम साइबर मित्र को कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं पुलिस प्रशासन के माध्यम से, और इसी के साथ साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू शुभा जी, आपने बहुत अच्छे विचार दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ ही हमारे बीच में गौरव पांडे जी हैं जो WHO से पूर्व में जुड़े हुए थे और अभी वर्तमान समय ग्लोबल हेल्थ कम्युनिटी के साथ जुड़ के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और आपका बहुत ही इस हमारी वेबिनार को लेके बहुत ही सपोर्टिव रोल रहा, तो मैं गौरव पांडे जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि मैं वो सुझाव दे इस वेबिनार में कि किस तरह से महिलाएं
जो आज हिंसा से पीड़ित हैं, समस्याएं तो सभी को पता है, लेकिन उन समस्याओं से निकलने के लिए क्या हम लोग रणनीति अपनाएं और किस तरह से कानून में भी कुछ मांगे हैं क्या, उसको भी हम रखें। गौरव पांडे जी, मेरी आवाज अगर उन तक पहुंच रही है तो प्लीज वो अपनी बात को कंटिन्यू करें। बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना जी, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका मुझे आमंत्रित करने के लिए कि मैं आपसे बात कर पाऊँ, अपने विचार साझा कर पाऊँ। जैसा कि इस वेबिनार का सब्जेक्ट है क्राइम अगेंस्ट वुमेन और हमारे क्या कानूनी पहलू है, जब मैं WHO में था तो हम वुमेन हेल्थ के ऊपर में काफ़ी सारा काम करते थे, और जैसा कि कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होता है वो हमेशा डेटा और ट्रेंड के ऊपर में बात करता है और उसके ऊपर में एक ओपिनियन फॉर्म करता है। तो जो सबसे बड़ा गैप जो हमें समझ में आता है वो ये कि आप किसी भी समस्या या किसी भी बीमारी का इलाज तब कर पाएंगे जब उससे बीमारी से प्रभावित लोग ये जाने कि बीमारी है क्या। जब हम क्राइम अगेंस्ट वुमेन की बात करते हैं तो मेजॉरिटी ऑफ लोगों की, खासतौर पर महिलाओं की अंडरस्टैंडिंग ये होती है कि डोमेस्टिक वायलेंस जो है शायद वो क्राइम अगेंस्ट वुमेन है, या किसी के साथ में कोई यौन अपराध या सेक्सुअल वायलेंस जो है वो क्राइम अगेंस्ट वुमेन है। किसी भी महिला को उसकी मर्जी का करियर ना चुनने देना भी क्राइम अगेंस्ट वुमेन है। किसी भी महिला के ऊपर में अपने नियम कायदे कानून थोपना वो भी क्राइम अगेंस्ट वुमेन है। तो एक बहुत सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि हम अपने घर की महिलाओं को, अपने समाज की महिलाओं को, खास तौर पे जो बच्चियां अब बड़ी हो रही हैं, उनको ये बताएं कि आपको समाज ने, आपको हमारे संविधान ने, हमारी सामाजिक व्यवस्था ने क्या अधिकार दिए हुए हैं, और अगर उन अधिकारों से आपको कहीं भी कभी भी वंचित किया जा रहा है तो आपको उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। तो जब तक हम समस्या को नहीं समझेंगे हम उसके समाधान के ऊपर बात नहीं कर पाएंगे। जब दूसरा एक सब्जेक्ट आता है जहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस, जहाँ पे फिजिकल वायलेंस या सेक्सुअल वायलेंस की बात आती है, तो वहाँ पे हमारे महिलाओं के साथ दूसरी समस्या आती है, हम सहन शक्ति हमारे यहाँ पे कुछ ज्यादा है, हम पति द्वारा दिए गए ताने को, हेलो एम आई ऑडिबल, मैं सुनाई पड़ रहा हूँ, तो हमारे घरों में जब उनके ऊपर पहली बार कोई अपराध होता है तो शायद वो सहन करना और क्षमा करने में ज़्यादा यकीन रखते हैं बजाय उसके आवाज़ उठाने में। फिर दूसरी या तीसरी बार जब उनके साथ घटना घटती है तब वो उसकी गंभीरता को समझना शुरू करते हैं, और तब कभी जाके वो ये प्रयास करती हैं या वो सोचती हैं कि उनको उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। आप किसी द्वारा मारा गया पहला थप्पड़ या किसी के द्वारा दी गई पहली गाली या किसी के द्वारा दी गई पहली प्रताड़ना उस क्राइम की शुरुआत है जो आपको आगे जाके बहुत भारी पड़ सकती है। तो ये भी अवेयरनेस की जरूरत है कि लोगों को ये पता हो, खासतौर पे स्त्रियों, बच्चों, महिलाओं को, कि अगर आपके साथ कुछ भी पहली घटना होती है तो आपको उसमें भी अपनी सहन शक्ति और क्षमा देने की जगह आपको उसमें आवाज़ उठानी चाहिए। जिसने आपके साथ अपराध किया है उसको खुल के बताना चाहिए कि आपने अपराध किया है, आपने गलत किया है, और इसका आपको आपको इस तरीके से आपको अपने कंडक्ट में सुधार लाना पड़ेगा कि हम उस रिश्ते को निभा भी पाएं और आप दोबारा ये अपराध ना करें। तीसरी जो समस्या आती है वो ये आती है कि जब हम हमारे साथ या किसी के साथ भी कोई क्राइम होता है तो हम उस समय तो उत्तेजना में आके कदम उठा लेते हैं, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा इंडियन लीगल सिस्टम जो है उसमें भी आपको अगर कोई केस भी लड़ना होता है तो उसको परसू करना होता है। आज एक मुकदमा कोई दहेज का या किसी डोमेस्टिक वायलेंस का लिखाता है तो वो मुकदमे को अंतिम परिणति तक पहुंचने में कई बार कई महीने और कई बार कुछ साल गुजर जाते हैं, और थोड़े समय बाद हमारी उन महिलाओं को के ऊपर प्रेशर बनता है समाज के तौर पे कि वो अपनी शिकायत वापस लें, और जनरली वो अपनी शिकायत वापस ले लेती हैं, तो वो अपराधी जिन्होंने ये घटनाओं को उनके साथ अंजाम दिया होता है उनको कोई भी सजा नहीं मिलती है। तो अगर आप क्राइम अगेंस्ट वुमेन के डेटा को देखें और साथ में कन्विक्शन रेट देखें तो आप उसमें जमीन और आसमान का अंतर पाएंगे। 100 अपराध होते हैं, शायद 100 में से 10 अपराध वो होते हैं जिसकी कंप्लेंट होती है, उन 10 अपराधों में कोई एक या दो अपराध ऐसा होता है जो सजा के लेवल तक पहुंच पाता है, और फिर हम कहते हैं कि समाज में क्राइम अगेंस्ट वुमेन बढ़ रहा है।
तो इस तरीके की किसी भी समस्या के लिए हमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि अवेयरनेस फैलाई जाए, महिलाओं को, स्त्रियों को, बच्चों को ये बताया जाए कि आपके खिलाफ होने वाले अपराध कितने समय कितने प्रकार के होते हैं, फिजिकल वायलेंस है, मेंटल वायलेंस है, साइबर क्राइम तो एक बहुत छोटा सब्जेक्ट है, वो सिर्फ आपसे धन की हानि कराता है, बट जहाँ पे आपका आपकी शारीरिक आपकी मानसिक प्रताड़ना का दौर गुजरता है, जो आपके अपने आपके साथ अपराध करते हैं वो शायद कहीं ज़्यादा घातक सिद्ध होता है देन साइबर क्राइम। साइबर क्राइम से डील करना फिर भी आसान होता है क्योंकि उस साइबर अपराधी को पकड़ के सजा दिखाने के लिए पुलिस बहुत सक्षम है, लेकिन जो घरों के अंदर अपराध हो रहे हैं उनके बारे में अगर बात नहीं करते हैं और उनको एड्रेस नहीं करते हैं तो हमारी महिलाएं 24/7 उन समस्याओं से जूझती हैं और उनके ऊपर में ध्यान नहीं रखती हैं। तीसरी एक समस्या है कि क्योंकि महिलाओं को घर की धुरी माना जाता है और पुरुषों को माना जाता है कि उनको ये सारे हक मिल जाते हैं कि जब वो स्ट्रेस में हो, परेशानी में हो, तो वो महिलाओं को पंचिंग बैग की तरह इस्तेमाल कर सकें। तो एक पुरुष जो बहुत टेंशन में होता है वो शाम को शराब का सेवन करता है और ये बताता है कि मुझे बहुत टेंशन है इसलिए मैंने पी ली, और मैं घर जाऊं और मैं जाके अपनी स्त्री पे हाथ उठाऊं क्योंकि मैं बहुत टेंशन में था और उसने मुझे ऐसी बात कर दी। इस तरीके की जो बहानेबाजियों या जो इन गलत तरीकों का लोग सहारा लेते हैं अपने गलत कामों को डिफेंड करने के लिए, इनके खिलाफ भी उन महिलाओं को ही जागरूक होना पड़ेगा, जहाँ पे उनको ये बताना पड़ेगा कि आपके द्वारा कोई भी की गई हरकत अपराध की श्रेणी में आती है और आप ये जो बहाने लेते हैं उनसे आपके परिवार का व्यवस्था बिगड़ रही है। सहन शक्ति की सीमा हमें बिल्कुल, मैं कहीं पे इसकी वकालत नहीं करता हूँ कि हमें परिवारों को तोड़ देना चाहिए, अगर किसी के साथ कोई गलत घटनाएं होती हैं तो तुरंत उस घर को छोड़कर निकल देना चाहिए, ऐसा नहीं है। तलाक, डिवोर्स या सेपरेशन कभी भी इस तरीके की समस्याओं का समाधान नहीं होते हैं, लेकिन हाँ, किसी ने आपके साथ बुरा किया है उसके साथ बात करके और उस अपने रिश्ते के प्रोटोकॉल को सेट करना बहुत जरूरी है ताकि वो दोबारा एक घटना आपके साथ में ना घटे। आज के इंटरनेट के युग में अगर कोई घर से बाहर निकलने में झिझकता है, कोई से घर से बाहर निकलने में परेशानी महसूस होता है, तो आप अपने घर में बैठ के ट्विटर के माध्यम से हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री तक को लिख सकते हैं और अगर आपकी शिकायत जेन्यून है तो बिल्कुल सुनी भी जाती है। तो आपके पास में वुमेन हेल्पलाइन है, आपके पास चाइल्ड हेल्पलाइन है, आपके पास में राज्य महिला आयोग है, आपके पास नेशनल वुमेन कमीशन है, आपके पास पुलिस है। आप किसी को भी ट्वीट करते हैं और अगर आपके उसके में कोई कार्रवाई नहीं होती तो आपको बिल्कुल ये हक है और आपको ये राइट है कि आप उसको एस्केलेट करें। दूसरा, किसी भी समय अगर किसी भी तरीके की घटना घटती है तो कभी भी मदद मांगने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। सखी केंद्र बहुत अच्छा काम कर रही है, ऐसी बहुत सारी संस्थाएं समाज में सक्रिय हैं, उनके बारे में लोग जानते भी हैं, बिल्कुल उन तक खुलकर पहुंचना चाहिए और उनकी मदद लेनी चाहिए, चाहे वो मेडिकल काउंसलिंग के लिए हो, चाहे वो मेंटल हेल्थ काउंसलिंग के लिए हो, चाहे वो लीगल काउंसलिंग के लिए हो। जब तक हम एक हॉलिस्टिक अप्रोच नहीं अपनाएंगे हम समस्याओं पर निदान नहीं पा पाएंगे। और मैं आखिरी बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। जब मैं WHO में था तो हमारे यहाँ पे पल्स पोलियो प्रोग्राम चालू हुआ और मुझे मालूम है आप सब भी ये जानते और मानते होंगे कि ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम है जो एक सक्सेसफुली हमारे देश ने अचीव किया। तो कभी भी किसी बीमारी के निदान के लिए हम पहला स्टेप उठाते हैं कंट्रोल, जहाँ पे जो भी केस होते हैं उनका इलाज करते हैं, फिर हम उसको एलिमिनेट करते हैं, उसको हमारे समाज के सिस्टम से हटाते हैं और फिर हम उसको इरेडिकेट करते हैं। महिलाओं के खिलाफ हिंसा कई सदियों से चली जाने वाली समस्या है जो हमारा देश और पूरा विश्व लगातार भुगत रहा है और हम आज तक जो केस होते हैं उनको केस टू केस बेसिस पे ही डील करते हैं और हमेशा उस केस के बाद में उस समस्या को भूल जाते हैं। हमें जरूरत है कि समाज के अंदर के लेवल तक जाएं, हम एजुकेशन सिस्टम में जाएं, लड़कों को लड़कियों को ये एजुकेट करें कि हम लोगों को अपने मन वचन कर्म से ये महसूस करना पड़ेगा कि स्त्री और पुरुष दोनों ही बराबर हैं, दोनों ही इक्वल हैं, किसी को किसी के खिलाफ क्राइम करने का, हिंसा करने का कोई भी अधिकार नहीं है। जब तक हम इस तरीके के मैसिव लेवल की अवेयरनेस ड्राइव में नहीं जाते हैं तब तक हम महिला हिंसा के मुद्दे पर सिर्फ बात करते रहेंगे, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे।
तो जरूरत है कि बहुत सारे लोग अलग अलग सेक्टर में काम करने वाले लोग साथ में जुड़ें और साथ में इन 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 कदमों को उठाएं। ये देश हमारा नवरात्रि और नव दुर्गा की पूजा करने वाला देश है, अगर समझाएंगे तो धर्म से डरने वाले लोग हैं यहाँ पे, अगर उनको ये समझाया जाएगा कि आप जो काम कर रहे हैं ये धर्म के भी खिलाफ है, ये कानून के भी खिलाफ है और ये आपके अपने व्यक्तित्व के खिलाफ है, तो मुझे लगता है कि काफ़ी फर्क पड़ेगा, काफ़ी परिवर्तन होगा। और मैं एक बार फिर से आप सबको हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आपने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया। पिछले 35-36 साल से आप लोग काफ़ी अच्छा काम भी कर रहे हैं और अपनी तरफ से मैं अपना पूरा सपोर्ट ऑफर करता हूँ कि मैं आज भी WHO के साथ जुड़ा हूँ, पब्लिक हेल्थ में काम कर रहा हूँ, मैं आज भी इंडिया की लार्जेस्ट लीगल फर्म में काम कर रहा हूँ जहाँ पे कानूनी मदद मुहैया कराने का काम भी मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ, तो जहाँ पे भी मेरा कोई भी सहयोग बन पड़ेगा आई एम देयर टू सपोर्ट। थैंक यू वेरी मच। एक मिनट सुभा जी आप अपना माइक ऑफ कर दीजिए। और एक हम बहुत महत्वपूर्ण अभी जो बात गौरव जी ने कही उसको थोड़ा सा हम और करना चाहेंगे कि ये जो छोटी छोटी हिंसा की एक्सेप्टेंस हमने दे रखी है और जिसको समाज में जिसकी मान्यता है, एक मिनट, ये सुभा शुक्ला जी, शुभा शुक्ला जी ये रही, प्लीज आप, हाँ हमने इनका माइक ऑफ किया है। सुभा जी प्लीज आप अपना माइक ऑफ रखिए। ये जो छोटी छोटी सी हिंसा की एक्सेप्टेंस हमने दे रखी है ना और समाज में उसकी मान्यता है कि कोई बात नहीं, गंदी तरह से बात कर सकता है, तुम्हारा ही पति है, एक दो झापड़ मार दिया तो कोई इतनी बड़ी आफत नहीं टूट गई, अगर वो थोड़ा सा आपको मेंटली आप डिस्टर्ब हैं उससे तो वो भी तो बेचारा परेशान है। बहुत सारी चीजों की हमने ये जो छोटी छोटी हिंसा की जो एक्सेप्टेंस दे रखी है एक्चुअली ये ही बढ़ती चली जाती है, तो हमें इस बात को समझना बहुत है और कि हमें अपनी जिंदगी में ये छोटी हिंसा की एक्सेप्टेंस को खत्म करना है, अपने आस पड़ोस में खत्म करना है, ना हम करेंगे और ना होने देंगे, और इसके प्रति एक हमें कैंपेन चलानी है, लोगों के बीच अवेयरनेस फैलानी है जिससे लोग खुद को भी सवाल करें कि कहीं हम वाकई में ये छोटी छोटी हिंसा कर तो नहीं रहे हैं, क्योंकि कभी कभी हम देखते चले आए हैं अपने पिता को अपने बाबा को और हमें लगता है यही तरीका है। तो बहुत थैंक यू गौरव जी, आपने जो पूरी बातें रखी वो बहुत महत्वपूर्ण थी और हम पद्मा जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज, मैं चाहूंगी प्लीज पद्मा जी, पद्मा जी आप सभी से सुन रहे थे, मैं बस कुछ साइबर क्राइम की बात भी हो गई, बाकी तरह के छोटे वायलेंस जैसे नीलम ने अंडरलाइन किया कि छोटे छोटे जो क्राइम्स हैं उनको भी घर के अंदर जिनको हमने नॉर्मल रखा है वायलेंस को, उनके प्रति भी एक शब्द आया था पहले, जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स वायलेंस, यानी जीरो किसी भी तरह की हिंसा को हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए। हम कुछ नए एक दो केसेस के आधार पे जो दिख रहा है एक नए तरीके का वायलेंस पे चर्चा करना चाहेंगे, एक ही दो से मेनली। एक ये है कि जो अभी आपको पता है पेंडेमिक के बाद अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में रोजगार की बहुत आवाज आ रही है आपको, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में नौकरियों की बहुत कमी आ गई है, एक तरफ रोजगार घटेंगे तो जो रोजगार घटेंगे उसका सबसे बड़ा असर महिलाओं के ऊपर पड़ेगा। और एक और बात जो हम इलाहाबाद शहर के संदर्भ में देख रहे थे कि एक तरफ लड़कियों को मध्यम वर्गीय परिवार कि तुम IAS बनो PCS बनो इसके लिए पढ़ने के लिए भेज रहे हैं और लड़कियों में भी एक सपना जगा है कि हम कुछ बनेंगे, वो लड़कियां जब 30 साल की उम्र पूरी कर लेती हैं और वो मान लीजिए IAS PCS आपको पता है कितने लोग बन सकेंगे,
जिस तरह का 1000 में अगर एक सिलेक्शन होगा तो कितना मुश्किल काम है। वो लड़कियां जब घर जाती हैं और वो शादी भी कई बार पेरेंट्स या तो गलत तरह की शादियों में फंस रही हैं, उनको यूज कर लिया जा रहा है, उनके पास कुछ भी नहीं है, तो उनको बहुत मानसिक यंत्रणा दी जाती है कि भाई अब तो तुम्हारे ऊपर पैसा खर्च किया पढ़ाने के लिए और तुम्हारा कहीं नौकरी मिली नहीं और तुम्हारी शादी में भी हम नहीं खर्च कर सकते और प्रॉपर्टी राइट भी नहीं दे सकते। तो ये एक जो समाज में एक तरफ लड़कियों को कहा जा रहा है कि रोजगार करो और दूसरी तरफ रोजगार है नहीं और तीसरी तरफ पुरानी ट्रेडिशनल सोच है जिसमें पेरेंट्स चाहते हैं कि लड़की या तो अफसर बन जाए और नहीं तो फिर हम रोजगार हम जो है ना प्रॉपर्टी देंगे ना दहेज देंगे और उस चक्कर में लड़कियां कई बार गलत गुमराह होके गलत कॉम्प्रोमाइजेस कर रही हैं, गलत रिश्तों में हैं और बहुत ज्यादा मानसिक यंत्रणा है। तो ऐसी लड़कियों की एक लंबी तादाद हमें कम से कम इलाहाबाद थोड़ा कॉम्पिटिशन का शहर है जहाँ IAS और PCS के कॉम्पिटिशन के लिए आने वाली लड़कियों की बहुत बड़ी संख्या है। तो ये एक तरह का ये अवेयरनेस बतौर वेमेन ग्रुप जरूरी है देना कि प्रॉपर्टी राइट लड़कियों का भी राइट है और अगर आपने लड़कियों के पढ़ाने में पैसा खर्च किया इसका मतलब ये नहीं है कि उनको प्रॉपर्टी में राइट नहीं मिलेगा। तो जो भी प्रॉपर्टी छोटी बड़ी है उसमें लड़कियों का भी हिस्सा मिले और दूसरी तरफ लड़कियों को ये समझना पड़ेगा कि ये जो चमकीला सपना है कि हम सभी IAS और PCS बन जाएंगे वो सपना पूरा नहीं होने वाला है। तो उस सपने को क्यों रोजगार नहीं है, क्यों आज यूनिवर्सल बेसिक बात हो रही है और जब तक रोजगार नहीं होगा तब तक एक कहावत है ना कि पराधीन सपने हो सुख नाई, आप जिसकी रोटी खाएंगे और पराधीन होंगे उसमें वायलेंस अंतर्निहित है, चाहे वो छोटा वायलेंस हो चाहे वो सेटल वायलेंस हो जिसको हम एक कहते हैं दूसरी तरह का वायलेंस पेंडेमिक में देखने को ज्यादा मिला है, उसमें पहले भी बहुत बातें होती रही थी, इमोशनल वायलेंस या मेंटल टॉर्चर, इमोशनल मानसिक, क्योंकि पहले क्या होता था कि एटलीस्ट सब लोग घर से निकल रहे काम पे तो औरतों को भी एक स्पेस मिलता था, लोग फोन कर सकते थे, लोग थोड़ी देर तक अपने हिसाब से समय बिता सकते थे। अभी भावनात्मक हिस्सा हिंसा बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इसीलिए आप कोई भी न्यूज़पेपर उठा के देखिए तो आपको सुसाइड के केस जरूर दिखेंगे। उन सुसाइड के केसेस में बेसिकली जो दो कारण हैं, एक तो ये है कि इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस के रास्ते बंद हो गए हैं, जो छोटे रोजगार थे उनकी भी रास्ते बंद हो गए क्योंकि औरतें सबसे ज्यादा अनऑर्गेनाइज सेक्टर में थी, दूसरी तरफ भावनात्मक हिंसा बहुत बढ़ गई। तो इन दोनों के मेल से इमोशनल वायलेंस के मेल से एक तरफ का वो बढ़ रहा है। तीसरी तरफ आप ये देखिए जब समाज में किसी कारण ऐसा माहौल बनता है कि कट्टरपंथ हावी होता है, तो कोई भी तरह का कट्टरपंथ चाहे वो किसी तरह, किसी के विचार का कट्टरपंथ हो सकता है, किसी के अपने जीवन शैली का कट्टरपंथ हो सकता है, तो कट्टरपंथ और हिंसा का बहुत रिश्ता है। तो जो पूरे समाज में जब वायलेंस एक तरह का कट्टरपंथी विचार, मेरा विचार सबसे सही, मैं सबसे सही, मेरा तरीका सबसे सही, मेरे विश्वास सबसे सही और तुम गलत, इस तरह का जब वातावरण पहनता है तो समाज में वायलेंस अगर आदमियों पे या समाज जनरल वायलेंट होता है तो आप जानते हैं जो भी सेक्शन वल्नरेबल है यानी जो भी नाजुक है उस पर वायलेंस पड़ता है। तो अब आप देखिए कि जो एक लड़की कैलिफोर्निया से आई थी, यूपी का किस्सा है, वो अपने भाई के साथ चार उसकी बाइक के आगे पीछे आए और बाइक डिसबैलेंस हुई और वो लड़की गिरी और उसकी डेथ हो गई। कल इलाहाबाद शहर में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की छात्र नेता ने आज डाला है, वो बीच बालसन चौराहे पे चार लड़कों ने गाड़ी रोक ली और उनको चैलेंज करने लगे कि आपको देख लिया जाएगा। जो वायलेंस शाम 7 बजे आपको दिखता नहीं था, ये ऐसा समाज में क्या घटित हो रहा है, ऐसी क्या, हमेशा से वायलेंस था, हमेशा से ये सवाल थे, लेकिन अभी जिस क्रूट लेवल पे वायलेंस आ रहा है, जिस सीना जोरी के साथ वायलेंस आ रहा है, इसीलिए अभी आप देखिए थोड़े दिनों पहले एक स्लोगन आया था, औरतें उठी नहीं तो जुल्म बढ़ता जाएगा। मैं सखी केंद्र को बहुत बधाई देती हूँ
कि उसने औरतों को एक बार फिर से आह्वान किया है कि हम ये जो रोज रोज हमें कुछ नहीं करना है, हम न्यूज़पेपर उठा के देख ले तो हमें समझ में आ जाएगा हमारे एरिया पे कैसे वायलेंस है। तो सीना जोर, जुल्म करने वाला सीना जोर होता जाएगा। तो देखिए दो ही तीन तरीके हैं कि हमें वायलेंस को, वायलेंस हमारे समाज में, अभी आप जानते हैं कि एक एक्टर के सुसाइड के बाद एक एक्ट्रेस पे जिस तरह से मीडिया ट्रायल हो रहा है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि कौन सही है कौन गलत है, हम जांच एजेंसी नहीं है, लेकिन जांच एजेंसी में आप किसी को कभी भूत कह के, कभी ब्लैक काला जादू कह के, कभी ये कह के कि ये फंसाने वाले लोग हैं, ये एक तरह का बड़ा स्त्री द्वेष है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सभी स्त्रियां अच्छी होती हैं या सभी वो होती, लेकिन जो चीज जांच की चीज है उसका आप मीडिया ट्रायल करके इस तरह की तस्वीर पेश करना कि जो भी मॉडर्न औरत होगी, जो भी करवा चौथ की मुद्रा में नहीं होगी कि उसके भक्ति भाव से नहीं होगी, वो औरत आपको ऐसी लगे कि वो तो त्रिया चरित्र करके और समाज को बर्बाद करने वाली औरत है। तो ये जो इमेजेस डाली जा रही है नई औरत को लेके, ये भी एक बहुत खतरनाक ट्रेंड है। हमें बोलना होगा कि नई औरत, अभी बात हो रही थी हमारे पहले गौरव जी शायद कह रहे थे, हर एक की आजादी है कि कौन किस तरह के कपड़े पहनेगा, कौन किस तरह से अपने आप को सजाएगा, कौन किस तरह की भाषा में, वो किसी को नुकसान करने के लिए नहीं कह रहा है, वो अपना व्यक्ति होने के नाते अपनी आजादी अपनी स्वतंत्रता को इंश्योर कर रहा है। लेकिन हमारे समाज में एक नई औरत के लिए इतना स्त्री द्वेष है, बोलने वाली स्त्री के प्रति इतना ज्यादा एक गुस्सा है, और जैसे बेरोजगारी बढ़ रही है और जिस तरह से समाज में बुलिंग बढ़ रही है, अभी साइबर बुलिंग पे लगातार बात हो रही है, उसमें एक तरह का सबक सिखा देने की जो मानसिकता है उसमें डेफिनेटली जो स्त्री केन कह रहा है कि हमें कानूनी प्रक्रिया, हमें अपने पुलिस प्रशासन पे दबाव, हमें हर तरह की प्रेशर करनी पड़ेगा और हमें समाज में इंश्योर करना पड़ेगा, वो कल्चर इंश्योर करना पड़ेगा कि जीरो टॉलरेंस टूवर्ड्स वुमेन वायलेंस हो और किसी भी तरह के वायलेंस के प्रति जीरो टॉलरेंस हो, क्योंकि हमारे हाथ में अभी माइंडसेट चेंज कर पाना नहीं है, क्योंकि मानसिकता तो बहुत गहरे दबी होती है ना कि हमारी मानसिकता की कौन सी परत में स्त्री द्वेष है और कौन सी परत में जेलस है और कौन सी परत में बोलने वाली स्त्री को सबक सिखा देने की मानसिकता है। तो ऐसे समय में हमें कानूनी प्रक्रिया और पुलिस प्रक्रिया और सखी केंद्र जैसे तमाम समूह बने जो एक प्रेशर बिल्डिंग का काम करे और समाज में वायलेंस के प्रति जीरो टॉलरेंस बने, तभी हमारा सपना 21वीं सदी की औरत की, आजाद औरत की का सपना साकार हो पाएगा। शुक्रिया। थैंक यू। धन्यवाद पद्मा जी, आपने बहुत अच्छे सुझाव दिए। अब मैं चाहूंगी सबला संस्था की डायरेक्टर हमारे बीच है मीनू त्यागी जी, वो अपनी बात रखें और हम लोगों का मार्गदर्शन करें। मीनू त्यागी जी, अर्चना मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं नीलम जी का, पूरे सखी केंद्र का धन्यवाद देना चाहूंगी जो इतने अच्छा सा एक वेबिनार आयोजित किया है और आज हम लोग एक दूसरे के विचारों को सुन पा रहे हैं। प्राची ने भी जैसे कहा कि हम लोग को आवाज उठाने की जरूरत है, गौरव जी ने भी बहुत अच्छा बोला, सबने अपने उठी है। मुझे लगता है कि जो आज का परिपेक्ष हो गया, पहले जब हम देखते थे कि महिला के साथ जो हिंसा होती थी उसमें अक्सर ऐसा होता था कि फिजिकल टॉर्चर बहुत होता था, हम लोग देखते थे कि सर पट गया है, हाथ टूट गया है, मतलब ऐसे करके उसको प्रताड़ित किया जाता था। लेकिन वर्तमान में धीरे धीरे जो चीजें आई हैं, नए तौर तरीके से आई हैं, तो उसको अब जो प्रताड़ना मिलती है वो मेंटली और इमोशनली ब्लैकमेल वाली ज्यादा मिलती है, ये हमारा अनुभव है जिसको हम शेयर कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि महिला आज अगर प्रताड़ित है तो हमारे अपने, जिनको हम अपना सोच रहे हैं, वही उसके साथ में क्राइम कर रहे हैं, उसको वही लोग दबा रहे हैं और उसको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं।
तो अगर ऐसे में हम देखें तो समय समय पे कानून बहुत बनते आए हैं। अभी अगर देखें तो घरेलू हिंसा कानून ये सोच के ही बना था कि इससे महिलाओं को अगर किसी भी रूप में प्रताड़ना मिल रही है तो इस पे तुरंत एक्शन होगा और महिला को उस प्रताड़ना से बचाया जा सकेगा। लेकिन मुझे ये कहने में कहीं भी दिक्कत नहीं आती है कि इम्प्लीमेंटेशन हमारा बहुत खराब है। कानून बनते हैं लेकिन उनको जिस तरह से लागू होना चाहिए वो बहुत ही धीमी गति रहती है, जिसका कारण है कि अगर कोई महिला आपकी बात को लेके आती है, मान लीजिए उसने हमें आके बताया कि उसके साथ में ये घटना घटी है जिसमें उसको बहुत ही ज्यादा मेंटल टॉर्चर किया गया है और हम उसको ये सोचे कि त्वरित कानून में न्याय मिलेगा, उसकी जब प्रक्रिया में वो जाती है तो बहुत हतोत्साहित होती है, तब उसे लगता है मेरी आवाज उठाना शायद बेकार हो गया। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को सबको एक दबाव बनाने की जरूरत है कि कानून का इम्प्लीमेंटेशन जो है उसको फास्ट्रैक के द्वारा तुरंत शुरू किए जाने की उसको राहत मिलनी चाहिए। ये नहीं है कि वो अगर अपनी लड़ाई कर रही है तो सालों साल कचहरी जाते जाते थक जाती है, तब उसे लगता है कि शायद मैं अपना जो सह रही थी वो ज्यादा अच्छी जिंदगी थी, अब जो मैं ये लड़ाई लड़ रही हूँ उसमें मुझे इतने साल लग रहे हैं। तो हम लोग गुस्सा करते हैं, बहुत सहयोग करते हैं, लेकिन कहीं कहीं हमें भी अफसोस मिलता है। दूसरा मुझे लगता है कि हमारा जो भी ये पुलिस विभाग है और हमारा जुडिशरी, इन लोगों को कभी भी इनके सिलेबस में या वो एक सोशल ट्रेनिंग भी उस तरह की होनी चाहिए जिससे कि उनका जो व्यवहार और एटीट्यूड है कभी कभी बड़ा ही नकारात्मक भी देखने को मिल जाता है, वो शायद एक संवेदनशील वाला जो होना चाहिए उसकी हम लोग कभी कभी कमी महसूस करते हैं। तो उसको अगर उनको समय समय पे ओरिएंट किया जाए या उन्हें बताया जाए तो शायद एक अच्छा स्वरूप महिला के लिए जो एक सम्मान और इज्जत वाली चीज हम लोग लाना चाहते हैं उसे हमें देने की जरूरत होगी। यहीं पर हमें अपने लड़कों में, अपने बच्चों में और पुरुषों में भी हमें महिला के प्रति जो इज्जत और सम्मान जो बिल्कुल खत्म हो गया है, आज छोटे से बच्चे भी हैं वो भी जिस रूप में अपने बहन को अपनी माँ को बोलते हैं वो बहुत ही खराब तरीका है, शायद वहीं से हम महिला की इज्जत और सम्मान को खत्म करते जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उन्हें हमें इस चीज के लिए बहुत समाज में हमें ओरिएंट करना है, जागरूक करना है कि महिला कोई एक मॉडल नहीं है जिसको आप जो चाहें वो कह लेंगे, गाली दे लीजिए, प्रताड़ना दे लीजिए, वो आपको सर्विस ही प्रोवाइड करती रहेगी, चाहे वो घर में खाना बनाना है, चाहे कपड़े धोना है, सब कुछ व्यवस्थित करती रहेगी और हम उसको मेंटल टॉर्चर करते रहेंगे, उसके प्रति हम किसी भी तरह की भावना नहीं रखेंगे। तो मुझे लगता है कि हमें दो तरह से इसको जरूर ही आगे बढ़ाने की जरूरत है और सखी केन जिस तरह से काम कर रहा है प्रेशर ग्रुप के रूप में, अगर हम लोग इन मुद्दों पे काम करें तो मुझे लगता है शायद हम लोग एक अच्छे स्वरूप में आगे आ सकेंगे। मैं अपनी बात यही कहना चाहती हूँ। धन्यवाद मीनू जी, आपकी बात पूरी हो गई। अब मैं चाहूंगी हमारे बीच कृति प्रकाश जी हैं। मीनू जी आप हमें सुन पा रही हैं? हेलो, हमारे बीच ब्रेक थ्रू लखनऊ से कृति प्रकाश जी हैं। मैं चाहूंगी कि वो अपनी बात रखें और आपका काफी बड़ा एक कैंपेन चला था बेल बजाओ, काफी अच्छा एक प्रयास था। तो अभी हम लोग फिर से क्या शुरू कर सकते हैं जिससे महिलाओं के ऊपर जो हिंसा का स्वरूप है उसमें हम लोग कुछ कमी ला सके। कृति प्रकाश जी मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है और बहुत बहुत शुक्रिया अर्चना जी इस वेबिनार में हम लोगों को हिस्सा बनाने के लिए। और ये जो हम सब आज जो लगभग बात कर रहे हैं, हम सब यही बात कर रहे हैं कि महिलाओं के खिलाफ हो रही हिंसा हम सबको एक सिरे से अस्वीकार है और ये अस्वीकारता जो हम सब लोग बैठ के यहाँ पे जो बात कर रहे हैं इसको समाज का एक अभिन्न अंग बनाना है। जो हम सब बात कर रहे हैं वो यही बात कर रहे हैं कि
किस क्या क्या अप्रोचेस होनी चाहिए. मुझे लगता है और ब्रेकथ्रू का भी ये मानना है कि हमको नॉर्म्स जो हमारी सोसाइटी के जो सेट है महिलाओं के हिंसा को बहुत प्रभावित करते, उन नॉर्म्स के साथ हमको डील करना बहुत जरूरी है. जो बहुत सारे स्पीकर्स ने कहा, जो जस्टिफाई करते हैं हिंसा को, क्योंकि ऐसा हुआ था, क्योंकि ऐसा होता है, तो उन नॉर्म्स के साथ में अगर हम डील करेंगे, अपने बच्चों के साथ में उन हिंसाओं को और उन गैर बराबरियों पे शुरुआत से अगर हम लोग बातचीत करते रहेंगे, तो हम इन नॉर्म्स को चैलेंज कर पाएंगे. ये ऐसे ही होता आ रहा था और ऐसे ही होता रहेगा, ये अनएक्सेप्टेबल है, ऐसे ही नहीं होता रहेगा. और इस क्या होगा ये भी बताना जरूरी है. अगर ऐसा नहीं हो, अगर ये घर का काम केवल औरतों के ही हिस्से में नहीं है, तो फिर किसका है ये घर, किसका है ये परिभाषित हम सबको मिलना करना पड़ेगा कि ये घर जब सबसे मिलके बनता है तो इस घर का काम भी हर किसी का अभिन्न अंग होना चाहिए, वो हिस्सेदारी सबकी होनी चाहिए. तो इस तरह के नॉर्म्स को हम लोगों को लेके आना पड़ेगा, न्यू नॉर्म्स की बिल्डिंग हम सबको साथ में मिलके करनी पड़ेगी. और ब्रेकथ्रू हमेशा का जो कैंपेन भी रहा है बेल बजाओ का, जिसमें हम लोगों ने हमेशा कहा है कि घरेलू हिंसा हम सबका या किसी का भी व्यक्तिगत मुद्दा नहीं है, ये एक सामाजिक कुरीति है और इस पे हम सबको मिलके किसी ना किसी तरीके से इनिशिएटिव लेना है, पहल लेना है. तो ब्रेकथ्रू भी अभी, क्योंकि जब हम लोग पैंडेमिक के समय पे आए और हम लोगों ने, हम सभी ऑलमोस्ट अपने घरों में कैद हो गए थे, एक बहुत उलझन थी और हम लोगों ने ये देखा भी कि सभी ने देखा, आप सभी ये बात कह रहे हैं कि किस तरह से हिंसा बढ़ी है. बढ़ी के साथ में ये भी देखने में आया कि शायद मेरी बात से आप सब इत्तेफाक रखते होंगे कि हम लोगों ने महिलाओं के साथ में, बच्चियों के साथ में बहुत बाखूबी काम किया. जो पुरुष माइग्रेंट होके बाहर काम कर रहे थे, वो आते थे थोड़े समय के लिए आते थे, वो इतना समय घर में कभी रहते ही नहीं थे कि मेरी बेटियां या मेरी वाइफ क्या सोच रही है, क्या डिस्कस करी. लेकिन जब वो 24 घंटे घर में रहने लगे और जब उन्होंने देखा कि हमारी लड़कियां फोन पे बात कर रही हैं, जो जेंडर इक्वालिटी के लिए बात कर रही हैं, भाई और पिता को एकदम नागवारा गुजरा कि ये क्या हो रहा है. मेरे एब्सेंस में मेरी एक 16 से 17 साल की या 15 साल की बच्ची वो फोन उठा के किसी से बात कर रही है, और वो भी किसी बगैर किसी मतलब के. ये महाराजगंज के सामने इंसिडेंट आया जहां पे उस लड़की को इतना मारा कि उसकी मृत्यु हो जाती है पिता और भाई ने मिलकर, क्योंकि वो फोन पे बात कर रही थी. और उन्होंने इसका पूरा ब्लेम परिवार वालों पे दिया क्योंकि मेरे एब्सेंस में ये क्या सीख रही थी मेरे घर की बच्चियां. तो इस तरह की जो हिंसा थी, जो आप लोग ने बताया, कुछ लोगों ने कि राशन के लिए जब गई तो महिलाओं के साथ रेप हुआ, तो जो एक चीज और जो समझ में आई पैंडेमिक के समय में कि कानून बहुत सारे हैं पर हमारा ट्रस्ट नहीं है. हम आम महिलाओं से जब भी हम लोग भी बात करते तो बिल्कुल यकीन नहीं है उनको. ऐसा लगता है कि कुछ नहीं होने वाला है. जो शुरुआत में भी बात हो रही थी कि हम अगर थाने में जाएंगे तो सबसे पहले मुझे ही पूछा जाएगा कि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ, तुम्हारे साथ ऐसा किसने किया, वो तो बात की बात है, तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, या तुम क्यों निकली थी घर से अकेले, जरूरत क्या थी. तो इस तरह की चीजें हैं. और तो मेरा ट्रस्ट भी उन सर्विसेज पे नहीं है, उन लॉज पे नहीं है, और जो सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं संस्थाएं और जो लोग हैं उनके पास रिसोर्सेस कितने रिसोर्सेस है. पैंडेमिक के समय हम सब ने देखा कि उत्तर प्रदेश में जब महिलाओं से हम लोग ने कहा कि आप हेल्पलाइन नंबर्स पे कॉल करें, 181 काम नहीं कर रहा. 181 की जो फोन सर्विसेज थी वो बिल्कुल फंक्शनल नहीं थी. हम एक तरफ कह रहे हैं कि आप 181 आप इस समय पे जो पैंडेमिक की सिचुएशन है, इस समय उसको मर्ज कर रहे हैं 112 के समय पे, अभी कॉल करिए हमेशा एंगेज जाता है. उनकी सैलरीज आप लोग रिलीज नहीं हो रही है. कितने समय कोई मोटिवेशन से काम करेगा, 3 महीने 2 महीने, लेकिन खाली पेट आप कितने समय आपकी कर पाओगे सर्विसेज ना. तो बहुत सारे इश्यूज हैं. आप इस कानून बनाना और उसके इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पे बहुत सारे गैप्स है. तो अगर हमारे लोग का रिकमेंडेशन से एक तो हमको दो तीन लेवल पे, एक तो ये है कि हमें नॉर्म्स के ऊपर काम करने की बहुत जरूरत है. दूसरा है कि हमें यकीन दिलाना कम्युनिटी, एक तो डिमांड और सप्लाई साइड पे काम करने की सर्विसेज की बहुत ज्यादा जरूरत है. एंड सर्विस जो एजेंसीज हैं उनको स्ट्रेंथन करने के लिए,
एडवोकेसी पे काम करना बहुत जरूरी है। अभी मेरी कल ही बात हो रही थी 181 के साथ में अर्चना जी से, तो हम लोग देख पा रहे थे कि उनके पास अभी भी रेस्क्यू वैन्स वगैरह प्रोवाइड नहीं है। अगर किसी महिला को हमको रेस्क्यू कराना तो कैसे वो कराएंगे, वो मेरे सामने किसी से, तो कहीं पे हम लोग बात कर रहे थे तो वो कह रहे थे हम स्कूटी से जाएंगे और कैसे करके आएंगे। तो ये हम कैसे करेंगे, हम इतना बड़ा प्रदेश है हमारे पास में, हम इस पूरे प्रदेश में हम विदाउट फैसिलिटी विदाउट सर्विस जो प्रोवाइडर्स एजेंसीज है बिना उनको स्ट्रेंथन किए हम कैसे इतने बड़े चीजों को हम अनएक्सेप्टेबल बना पाएंगे। अनएक्सेप्टेबल बनाने के लिए हमको सर्विस डिमांड एंड सर्विस स्ट्रेंथन के ऊपर बहुत फोकस्ड होके काम करना पड़ेगा। एंड एज अ सोसाइटी हमको इस चीज को अनएक्सेप्टेबल बनाने के लिए सबसे पहले ये मानना जरूरी होगा ये किसी का व्यक्तिगत मुद्दा नहीं, ये हमारा एक सामाजिक कुरीति है, इसको एक्सेप्ट करना और इसको अनएक्सेप्टेबल बनाने के लिए और एक एक बाई स्टैंडर्ड की भूमिकाओं को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। ये कि एज अ बाई स्टैंडर्ड मैं क्या कर सकती हूँ, एज अ बाई स्टैंडर्ड अर्चना जी क्या कर सकती हैं, एज अ बाई स्टैंडर्ड नीलम जी क्या कर सकती हैं, या एज अ बाई स्टैंडर्ड मेरा भाई या मेरा बेटा या मेरे पिता अगर उनके सामने कुछ ऐसा हो रहा है तो उनका वो क्या कर सकते हैं। सो बाई स्टैंडर्ड्स की भूमिकाओं को भी हम लोगों को, क्योंकि हर किसी महिला के पीछे एक पुलिस वाले का होना पॉसिबल नहीं है इसे, तो सबसे पहले पुलिस बाद में आएगा, सर्विस एजेंसीज बाद में आएंगी, सबसे पहले उस सोसाइटी के जो चार लोग जिनको हम हमेशा कहते हैं कि चार लोग क्या कहेंगे वही होते हैं हमारे सामने। तो अगर वो तय कर ले कि मेरे सामने अगर ये हिंसा हो रही है तो मैं ये तय कर लूं आज से कि अगर मेरे कान में कुछ गैर बराबरी की बात आएगी या इस तरह के जोक्स आएंगे व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे या मैं उनको कहीं सुनूंगा या सड़क पे मेरे सामने कुछ इस तरह का व्यवहार हो रहा होगा या मेरे पड़ोस में या मेरे परिवार में, तो मैं ये जरूर दर्ज कराऊंगा कि ये अनएक्सेप्टेबल है। क्योंकि कई बार हम फोन्स के और व्हाट्सएप के मैसेजेस को बिना समझे हम जिस तरह से फॉरवर्ड करते हैं पैंडेमिक के समय पे, हम लोगों ने बहुत सारे ग्रुप्स में हम लोगों ने सवाल उठाए कि क्या इट इज ये ट्रू है, वाकई इतनी औरत इतनी खराब है कि वो पुरुष से पूरा काम करा रही है और पुरुष घर ऑफिस का काम भूल के अब उसको सिर्फ झाड़ू याद आ रहा है। तो इस तरह के जोक्स सुनने में अच्छे लगते हैं लेकिन वाकई क्या ये हंसने का विषय है, क्या वाकई बेलन से बेलन औरतों का हथियार होता है उससे वो पतियों को पीटती हैं, ये वाकई है, वाकई ये सच है, क्या हमको वाकई इस तरह के जोक्स को आगे फॉरवर्ड करना है या हमको यहाँ पे सवाल उठाना है। तो सबसे पहले है कि हम लोगों को सवाल करना और हर लेवल पे जहाँ पे हमें इस तरह की चीजें दिखती हैं जो नॉर्म्स सेट हो चुके हैं उनके ऊपर सवाल उठाने की जरूरत है। तो थैंक यू सो मच अर्चना जी एंड थैंक यू सो मच नीलम जी फॉर इनवाइटिंग अस। थैंक यू कृति। अब मैं चाहूंगी इलाहाबाद से हमारे बीच ममता जी हैं जो एडवोकेट और खासकर उनका जो काम है वो एसिड अटैक और रेप सर्वाइवर के बीच में वो काम करती हैं। ममता जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? एडवोकेट ममता जी ममता जी मेरी आवाज सुन पा रही हैं आप? अगर ममता जी को आवाज नहीं आ रही है तो आप 181 से हमारे बीच जो अर्चना जी हैं, अर्चना जी हमारे बीच लखनऊ वन स्टाफ सेंटर से है। अर्चना जी चाहूंगी तब तक आप अपनी बात रखें, आप भी लखनऊ में बहुत महिलाओं के लिए जिस तरह से रिसोर्स मोबिलाइज करके काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहा है लखनऊ में स्टाफ सेंटर, तो मैं चाहूंगी अर्चना सिंह जी अपनी बात रखें प्लीज। अर्चना सिंह जी तक मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल। अर्चना जी आप अपना माइक ऑन कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। हेलो
यस, आपकी आवाज आ रही है। हेलो। हाँ, आपकी आवाज आ रही है अर्चना जी, आप बोलिए। मैं ममता सिंह बोल रही हूँ। अच्छा, ममता जी बोल रही, चलिए ममता जी पहले आप बोलिए। आवाज आ रही है? आप बीच में कहीं गुम हो गए थी। बोलिए बोलिए। सबने बहुत अच्छा बोला, छोटे छोटे टॉपिक्स को भी कवर किया, पद्मा जी ने बहुत अच्छा बोला और भी कई स्पीकर्स थे बीच में जिन्होंने बहुत अच्छा बोला, पर थोड़े सुझाव मेरे भी हैं तो मैं शेयर करना चाहूंगी उन्हें। जैसे अब इस समय का जो एरा है जिसमें हम जी रहे हैं, ये पेंडेमिक है, 2020 है, वुमन जो है वो बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पे गई हैं, आर्मी के हाई ऑफिशियल्स तक गई हैं। टीना डॉबी जो आईएएस की टॉपर हुई, उसका जो काम था भीलवाड़ा में उसको बेस्ट बोला गया कि इसने सबसे अच्छा काम किया, जो क्वारंटीन सेंटर्स का जो जो भी काम था, जो भी उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई थी, शी हैज डन वेरी वेल और वो बहुत अप्रिशिएट उसको किया गया। हेलो हेलो, आपकी आवाज आ रही, प्लीज आप बोलिए। तो एक तरफ तो सब बहुत बड़े बड़े कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं हमारे यहाँ जो लेडीज हैं, सुप्रीम कोर्ट जजेस लेडीज हैं, हाई कोर्ट जजेस लेडीज हैं, लोअर जुडिशरी में भी नंबर ऑफ लेडीज बहुत बढ़ रही हैं, हर तरफ बढ़ रही है, पर एक तरफ वो भी लड़की है आगरा में जो इस लॉकडाउन में खाना मांगते मांगते मर गई। ऐसी भी लड़कियां हैं जो रेप विक्टिम बनी, ऐसी भी लड़कियां हैं जिनके ऊपर वुमन असॉल्ट्स बहुत हुए इस लॉकडाउन के पीरियड में। तो ये जो गैप है ये हमें कम करना है। एक तरफ वो लेडीज हैं जो बहुत ऊपर हैं, एक तरफ वो हैं जो बहुत नीचे हैं। मतलब ये नहीं कह सकते कि जो इंडिपेंडेंट हैं उनके होता है फर्क पड़ता है, लेकिन हमको जरूरत है इस गैप को कम करने की। जैसे फॉरेन कंट्रीज में होता है, एक वहाँ गोरे और काले में बहुत डिफ्रेंशिएट और डिस्क्रिमिनेशन था एक समय में, 1900 में, उनके अलग पिक्चर हॉल्स होते थे, उनके सब कुछ अलग होता था, वो गोरों के साथ नहीं, जो इंडिया में नहीं था उससे भी बहुत ज्यादा था, लेकिन आज की तारीख में बिल्कुल नहीं। उन्होंने ऐसा क्या किया कि वहां पे सारी चीजें एकदम खत्म हो गई डिस्क्रिमिनेशन। तो उन्होंने जो सबसे ज्यादा जो इफेक्टिव आया वो इनका पब्लिक कोर्ट सिस्टम था, पब्लिक जुडिशियल सिस्टम था। मतलब आज जब वो कोई ऑफेंस हो जाता है कमिट, उसके बाद उसके उसका ट्रायल चलता है, उसके बाद उसका पनिशमेंट होता है। कन्विक्शन रेट बहुत कम है, अभी किसी ने बोला भी था और सही बोला था, क्यों? क्योंकि इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं होता है इसलिए कन्विक्शन रेट कम है, और उसी लूप उसका फायदा क्रिमिनल्स को और इन लोगों को मिल जाता है। अगर कन्विक्शन रेट बढ़ेगा तो ऑब्वियसली जो महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध हो रहे हैं उनमें कमी आएगी। तो उन्होंने जो पब्लिक कोर्ट सिस्टम किया उसमें जो है जो भी प्रोसीडिंग्स होती थी सब कुछ देखते थे लोग, और देखने से उसको एक लेसन लेते थे कि हमको ये नहीं करना है, वी डोंट हैव टू डू दिस एज वी हैव टू फेस दिस थिंग। वो उनको केवल सजा नहीं पढ़ते थे वो कि मैंने जजमेंट पढ़ लिया या मैंने देख लिया या मैंने पेपर में पढ़ लिया कि इस ऑफेंस का ये इसका पनिशमेंट मिला, वो पूरा प्रोसीजर भी सी थ्रू होता था, ट्रांसपेरेंट होता था, उसकी वजह से बहुत फर्क आया। दूसरा मुझे लगता है कि आज हर फील्ड में लेडीज हैं लेकिन उनका नंबर बढ़ाने की जरूरत है। जैसे जो महिला थाना है, महिला थाना में अगर आप कोई भी रिपोर्ट लिखाने जाता है तो उसको ये बोलते हैं कि यहाँ तो डोमेस्टिक वायलेंस का या इस तरह का, अगर कोई रेप है, अटेम्प्ट टू रेप है, ईव टीजिंग है, तो कहते हैं आप अपने थाने में जाइए, आप अपना जो एरिया है उसके थाने में जाइए। तो क्या महिला थाना बनाने से ही काम नहीं हो गया? महिला थाना की वर्किंग कैसी है, उसमें एक्चुअली क्या काम हो रहा है, इसको भी तो मॉनिटर करने की जरूरत है। इसको कोई और उनका एक उनको पढ़ाना, उनकी अवेयरनेस बढ़ाना कि भाई जब आप किसी लड़के से नहीं पूछते हो कि आप रात में इतनी देर में क्या कर रहे थे वहां पे, तो लड़की से क्यों पूछते हो? आपने फेसबुक की प्रोफाइल क्यों बनाई? क्यों बनाई का क्या मतलब है? जो फ्रीडम सबको है वो हमें भी है, हम क्या बराबर नहीं है? आप रात में 9 बजे 10 बजे सड़क पे क्या कर रही थी?
ये चीज किसी लड़के से तो नहीं पूछी जाती कि आप सड़क पे रात में क्या कर रहे थे। तो ये सारी चीजें, ये उनकी अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, उनकी नॉलेज बढ़ाने के लिए, उनके रूटीन बनाने के लिए, उनका तरीका इन्वेस्टिगेट करने के लिए, उस सबको इम्प्रूव करने की बहुत जरूरत है। और जब नंबर ऑफ लेडीज फोर्स में बढ़ेंगी, जो कि लॉ इन्फोर्समेंट सोसाइटी है उसमें बढ़ना चाहिए, जो लॉ इन्फोर्समेंट आपका जो सेक्शन है उसमें जो है लेडीज बढ़ेंगी, तो ये डिस्क्रिमिनेशन जरूर कम होगा। और जो और एक चीज सजेशन ये है कि अगर हम माएं हम अपने बेटों का बचपन से ध्यान रखें, उनको ये शिक्षा दें कि औरतों की इज्जत करनी चाहिए, ऐसा नहीं कि बहन बड़ी है तो तुम पानी लाओ और तुम ये करो। अगर उनके बचपन से यही है तो वो कल को अपनी पत्नी के साथ भी यही करेंगे। तो वो चीज अगर हम अब आगे आने वाली जनरेशन को सुधारेंगे, सुधारना चाहते हैं, तो इसकी शुरुआत हमें अपने घर से करनी है। घर में ही बेटा बेटी दोनों को बराबर समझिए, बड़े छोटे का लिहाज होना चाहिए, लड़की लड़के का नहीं होना चाहिए, ना उनकी एजुकेशन में। मैंने कई आप आज के जमाने में थोड़ा सा इम्प्रूव तो हुआ है, लेकिन पहले गाँव में क्या होता था, जो लड़कियां अच्छी पढ़ने में होती थी उनको भी एक सर्टेन जितने 8 तक गांव में स्कूल है तो उसके आगे नहीं पढ़ना है। क्यों? क्योंकि लड़कियां हैं, बाहर कैसे जाएंगी। उसी घर में जो लड़के होते थे उनको बाहर दूसरे शहरों में भेजा जाता है, हॉस्टल भेजा जाता है, और फिर वो आगे इंडिपेंडेंट होते हैं और उनको लगता है ये तो लड़की है, इसका तो काम ही है मेरी बात मानना। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, मेरी शादी हुई गाँव में हुई, जब मैं वहां गई तो मैंने देखा कि सारे मेल्स जो हैं वो चेयर्स पे बैठते हैं और जो फीमेल हैं वो हमेशा नीचे बैठती हैं। मतलब वो बड़ी भी होंगी, वो एज में बड़ी हैं, नंद है हमारी, वो नीचे बैठती थी। क्यों? क्योंकि भैया हैं, भैया एज में छोटे हैं पर भैया मेल हैं। तो हमने तो कभी इस चीज को ना टॉलरेट किया ना बर्दाश्त किया, हमने कहा ये तो गलत बात है, ये कोई बात नहीं, अगर वो चेयर पे बैठेंगे तो मैं भी बैठूंगी। तो आज के समय में वहां पर सिनेरियो चेंज हो गया है, अब चेयर्स रखी रहती हैं, सब लोग बैठते हैं। और ये सारे सजेशंस हैं और हम उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर में जरूर जो आज की हालत है उससे बहुत अच्छा, जो पहले देखा जाए पिछला देखा जाए तो उससे हम आज काफी अच्छी हालत में हैं, और ऐसे चलेगा, इम्प्रूवमेंट की कोशिश होगी तो आगे और भी अच्छा रहेगा और ये डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल खत्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच। मैं चाहूंगी अर्चना जी है लखनऊ से हमारे बीच, अर्चना प्लीज वो अपनी बात रखें। अर्चना सिंह जी लखनऊ से, मेरी आवाज सुन पा रही हैं आप? शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है उन तक। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अर्चना जी तक अगर मेरी आवाज पहुंच रही तो प्लीज अपनी बात रखें। जब तक वो शायद कनेक्ट हो रही है, पायल पायल मध्य प्रदेश जनसाहस से हैं, वो भी अपने सुझाव रखें। आपका भी रेप विक्टिम के साथ बहुत अच्छे से आप लोग काम कर रहे हैं, पायल प्लीज। थैंक यू अर्चना जी, बहुत आवाज आ रहा है मेरा? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, थैंक यू अर्चना जी, और बहुत अच्छा लग रहा है इस वेबिनार में कि बहुत अलग अलग प्रकार का हमें एक्सपीरियंस सुनने के लिए मिल रहा है और बहुत डिफरेंट लेवल पे हम लोग वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो मेरा नाम पायल है और मैं जनसाहस में वायलेंस अगेंस्ट वुमेन पे लास्ट 3 साल से मैं काम कर रही हूँ। और तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे मुद्दों के ऊपर बहुत अच्छा डिस्कस किया है और बहुत सारे इशू भी निकल के आ रहे हैं। और जैसे हम लोग देख रहे हैं कि ये COVID-19 में एक हिडन कॉन्सिक्वेंसेस है, जो हम लोग सेक्सुअल जेंडर बेस्ड वायलेंस को हम लोग देख रहे हैं, और उसमें डोमेस्टिक वायलेंस भी है, इंटीमेट पार्टनर वायलेंस भी है, और चाइल्ड एब्यूज के जो केसेस है और अदर फॉर्म ऑफ सेक्सुअल वायलेंस और जेंडर बेस्ड वायलेंस जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है ये कोविड के दौरान में। और हम लोग देख रहे हैं कि जो एक बड़ा एक चैलेंज, जब हम लोग रेप सर्वाइवर का बात करते हैं तो
अभी के सिनारियो में हम लोग देख रहे हैं कि उनका जो रजिस्ट्रेशन है, जो FIR फाइलिंग है, बहुत ज्यादा डिक्रीज हुआ है. तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू है जो इसको रेज करना चाहिए, या किस तरह से हम लोग जो सिस्टम है उसको किस तरह से रिफॉर्मेटिव बनाए, किस तरह से हम लोग इसमें चेंजेस लेके आए, वो एक हमारा अप्रोच होना चाहिए. दूसरा एक चीज मैं बोलूंगी कि बहुत सारे लोगों ने बताया कि कहीं ना कहीं ये सारा इश्यू जब होता है या सेक्सुअल वायलेंस जब होता है, कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं कि ये एक सोच से भी आता है, जो हम लोग पुरुषत्ता जो सोच बोलते हैं, जो पैट्रियार्कल नोशन है, ये भी कहीं ना कहीं ये सोच से आता है. तो हमें ऐसे लोगों से या इसके इर्द गिर्द जो लोग काम कर रहे हैं, जैसे जैसे बॉयज हो गए या मेन हो गए, इनको भी हमें अवेयर करने का बहुत जरूरत है. तो ऐसे हम लोग हमारे पास में ऐसे मॉडल डेवलप करें जो ये सारे इशू के ऊपर उनका अवेयरनेस बढ़े, और ऐसे हम लोग ग्रुप बना सकते हैं बॉयज और मेन का, और उनको हम लोग जैसे हम बोलते हैं कि सेक्स एजुकेशन देना चाहिए, बॉडी के बारे में उनको बताना चाहिए, जब तक वो अवेयर नहीं होंगे तब तक इस इशू पे वो सेंसिटिवली अपना बातचीत नहीं रख पाएंगे. ये एक मेरा सजेशन था. एक दूसरा मेरा एक था कि हम लोग जैसे देखते हैं कि जब भी किसी महिला के साथ में या किसी लड़की के साथ में जब भी कई हिंसा होती है, तो एक बहुत सोसाइटी में देखते हैं कि एक विक्टिम ब्लेमिंग का जो कल्चर है ये बहुत देखने में आता है, या उसके साथ एक घटना तो हुई है लेकिन लोग इस तरह से उसको उसका चित्रीकरण करते हैं या उस तरह से उसको पोर्ट्रेट करते हैं कि जैसे कि उसका बॉडी में से उसका सोल ही चला गया हो. तो ये कहीं ना कहीं हमें इसके ऊपर बात करने का जरूरत है, क्योंकि ये जब तक ये कल्चर ऑफ साइलेंस का जब तक ये रहेगा तब तक मुझे नहीं लगता कि जो वायलेंस हो रहा है वो डिक्रीज होगा. तो कहीं ना कहीं हमें प्रिवेंशन पे भी काम करने का जरूरत है. और दूसरा है कि हमें विक्टिम ब्लेमिंग और जो शेमिंग का बात करते हैं उसके ऊपर भी हमें काम करने का जरूरत है. तीसरा मैं एक बोलना चाहूंगी कि जो भी जो इसे इस सेक्सुअल वायलेंस से पीड़ित जो महिलाएं हैं उनका क्यों ना हम लोग एक फोरम के सर्वाइवर फोरम का स्थापना करें, या हम लोग उसको एक संगठन बनाए ताकि जो बहुत सारे जो सर्वाइवर है वो आके खुद की बात करें. जब जब आप किसी का नैरेटिव बताए तो वो बहुत आप अलग लेवल पे बताते हो, लेकिन अगर एक एक जब सर्वाइवर अपनी बात रखता है तो वो अपने उसका नैरेटिव बहुत अलग हो जाता है. तो कहीं ना कहीं ये ऐसे फोरम बनाने का हमें बहुत जरूरत है. दूसरा एक है जो हम लोग जैसे बहुत सारे संस्थाएं हैं जो इस इशू पे काम कर रहे हैं, रेप सर्वाइवर से हो या फिर डोमेस्टिक वायलेंस पे हम लोग काम कर रहे हो, तो हमारा अप्रोच हमेशा ये नहीं होना चाहिए कि विक्टिम को न्याय दिलाना. हमारा अप्रोच हमेशा ऐसा होना चाहिए कि विक्टिम के न्याय प्रक्रिया में हम लोग कैसे सपोर्ट करें. तो ये एक हमारा बहुत बड़ा अप्रोच होना चाहिए. तो थैंक यू अर्चना जी, बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू पायल. मैं चाहूंगी अगर अर्चना जी तक मेरी आवाज आ रही है, अर्चना सिंह जी लखनऊ से, तो प्लीज अपनी बात रख दे. मैं वो मीटिंग में कनेक्ट नहीं हो पा रहे, क्या इशू है. मैं चाहूंगी हमारे बीच में वरिष्ठ अधिवक्ता और BIC के रिटायर्ड डिप्टी मैनेजर आदित्य नारायण जी हैं, प्लीज वो अपनी बात रखें. आदित्य नारायण जी, आदित्य नारायण जी तक हमारी बात पहुंच रही है. मेरी आवाज शायद आदित्य नारायण जी का माइक ऑन हुआ है. जी जी आई 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 जी प्लीज आप जी जी मैं आदित्य नारायण वाजपेयी बोल रहा हूँ. मैडम इस समाज में चाहे वो अभी आपका वीडियो ऑफ हो गया है, वीडियो ऑन कर लीजिए. आदित्य जी प्लीज वीडियो और माइक दोनों हेलो शायद ऑफ है. हेलो जी जी आवाज आई. जी जी बोलिए. महिला जो है वो समाज की एक धुरी होती है, चाहे वो देश हो चाहे वो घर हो कहीं भी हो. महिला एक पहली प्रथम पाठशाला है बच्चे की. जब बच्चा जन्म लेता है
तो सबसे ज्यादा जो एजुकेट करती है वो माँ करती है। आदित्य जी, तो क्या आप वीडियो ऑन कर सकते हैं? ऑन हुआ? हेलो? नहीं नहीं, हेलो, आवाज आ रही है सर आपकी, वीडियो नहीं आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, आप अपनी बात कहिए, ये सब टेक्निकल प्रॉब्लम रहती है, धीरे धीरे करके ठीक होंगे। आवाज आ रही है? हेलो, 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 आपकी आवाज आ रही है? आप बोलिए। आवाज आ रही है? ठीक है, चलिए मैं बोल रहा हूँ। हेलो जी, जी बोलिए। महिला जो है वो समाज की धुरी होती है, चाहे वो परिवार हो चाहे वो समाज हो, क्योंकि महिला ही सबसे बड़ी टीचर होती है। टीचर्स डे लोग मनाते हैं, लेकिन मदर्स का टीचर्स डे मनाना चाहिए। माँ उसको छोटेपन से लेके बड़े तक उसको एजुकेट करती है। तो अभी जो एक हमारी बहन बोल रही थी कि बेटे और बेटी के बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं करना चाहिए, माँ को बेटी और बेटे के बीच में कोई फर्क नहीं रखना चाहिए और दोनों को एजुकेट करना चाहिए। तो महिलाओं का जो ये कार्य है वो सबसे प्रशंसनीय है, उससे बड़ी कोई टीचर नहीं है। जो प्राइमरी स्टेज से जो है एजुकेशन देती है, फिर बाकी बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं, ये सब होता है। दूसरा जो है, हेलो हेलो, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। हाँ, दूसरा जो है कि जो आज भी जो मेरी जानकारी में है, जो मेरे संज्ञान में है, 60% महिलाएं कानून को नहीं जानती, जो महिला हिंसा के कानून है इसको नहीं जानती हैं। तो इसके लिए उनको अवेयर कराना चाहिए। जो महिला हिंसा की बहुत सी पुस्तकें आ गई हैं, या उनको उनके कोचिंग करके, कभी महीने दो महीने में एक बार कोचिंग कर दी जाए, उनको सारे वो नियम कायदे बताए जाएं कि ये आपके राइट्स हैं और इस फोरम पे आप जा सकती हैं। और बहुत सी महिलाएं ये है कि अपनी प्रतिष्ठा, परिवार की प्रतिष्ठा, इन सब चीजों को देखते हुए जब वो कोई शिकायत करने का अवसर आता तो वो शिकायत नहीं करती। हिंसा के खिलाफ आवाज उठनी चाहिए, उसको नहीं दबाना चाहिए। तो हिंसा के लिए, जो भी हिंसा, चाहे वो घर में पति कर रहा हो, समाज में कर रहा हो, सब लोगों को। और दूसरा ये है कि समाज में जो हम लोग हैं, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हमारी आदित्य जी माइक ऑफ हो गया है आपका। आप सुन पा रहे हैं? हेलो, हाँ, आपका माइक बार बार ऑफ हो रहा है। वो कुछ गड़बड़ है। चलिए, आवाज आ रही है? अब आ रही है, आ रही है। तो समाज के लोगों की सबसे ज्यादा नैतिक जिम्मेदारी है कि हमारे पड़ोस में क्या हो रहा है। मेरे घर की बच्ची नहीं है, किसी के घर की बच्ची जा रही है, कोई समाज का आदमी उसके बुरी नियत से देख रहा है या कोई उसके साथ अन्याय कर रहा, तो ये जब तक समाज इसके लिए जागृत नहीं होगा तो सारी चीज कानून पे डिपेंड नहीं रहेगी। कानून को कितने लोग फॉलो कर पाते हैं, कितने लोग परसू करते हैं। बहुत से लोग आर्थिक अभाव में कानूनी लड़ाई नहीं लड़ पाते हैं। अच्छा, दूसरा जो सबसे बड़ा ये है कि जो भी ये मुकदमे हैं इस तरीके के घरेलू हिंसा के, इनकी एक समय निर्धारित हो कि केस 1 साल में 2 साल में 3 साल में, उसकी समय सीमा निर्धारित कर दी जाए। और समय सीमा निर्धारित नहीं होती है, कोई कोई केस 10-10 साल चलते हैं, उनका तो जीवन बीच में ही बर्बाद हो जाता है। तो इसमें सबसे बड़े सुधार की जो जरूरत है कि टाइम बाउंड प्रोग्राम हो, कि उन मुकदमों को टाइम बाउंड जो है सुना जाए और उनका फैसला आए। और कोर्ट में भी हम देखते हैं मीडिएशन होता है, मीडिएशन में कुछ वकील तो बहुत अच्छे, जो पारिवारिक बैकग्राउंड जिनकी अच्छी है, वो तो समस्या का समाधान चाहते हैं। हेलो, हेलो,
हेलो हाँ, आपकी आवाज माइक बार बार डिस्टर्ब कर रहा है, शायद कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है। डिस्टर्ब हो रहा था जी। तो वो सारी जो मतलब प्रक्रिया जो होती है मीडिएशन में है, कुछ अच्छे बैकग्राउंड के एडवोकेट हैं, वो तो अच्छी तरीके से उसको समझते हैं, उसका समाधान करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारे वकीलों में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो कमर्शियल माइंड के होते हैं, पैसा उनको चाहिए, या बीच में वो सिफारिश किसी की आ गई उसको मान रहे हैं, तो वो सही तरीके से जो फेयर वर्किंग है वो नहीं होती है। वो फेयर वर्किंग करनी चाहिए। आप जिस धर्म को कर, आपका वकालत पेशा है, तो आप वकालत में ईमानदारी से उसको न्याय दिलाने का काम करिए, ना कि उसके साथ अन्याय हो। ये सारे जो समाज में बहुत सी कमियां हैं, द्वेष हैं, इनको खत्म करना होगा और समाज के लोगों को जागृत करना होगा। और महिलाएं तो 24 घंटे अपने घर को देखती हैं, महिलाओं का जो योगदान है वो तो अनुकरणीय है, कहने को कोई भी कहे। महिलाएं अच्छी हैं और अपने बच्चों के बारे में समाज में। अच्छा, एक चीज और भी होनी चाहिए कि जो महिलाएं हैं बेटियों के लिए, जो सोचती हैं कि हमारी बेटियां ससुराल में जाएं, बहुत अच्छा उनके साथ व्यवहार हो, सारा हो, और जब बहू आती है तो उसके साथ व्यवहार क्यों नहीं अच्छा होता है, इन दोनों में भी फर्क नहीं होना चाहिए। बेटी को जिस तरीके से आप चाहती, हमारी बेटी स्वच्छंद रूप से घूमे, उसका हस्बैंड घुमाने ले जाए, अच्छी तरीके से बैठे, पिक्चर देखने जाए, सब सब तरीके से, और बहू आती तो उसके ऊपर नियंत्रण, ये भी जो फर्क है इसको भी खत्म करना पड़ेगा। और इस सब में आप लोगों को और पुरुषों को भी ध्यान देने की जरूरत है। आज बेटियों को चाहते हैं कि हमारी बेटी आईएएस बने, हमारी बेटी बहुत बढ़िया स्कूल में टीचिंग लाइन में आ जाए, एडवोकेट हो जाए, जुडिशियल सर्विस में आ जाए, तो बहू के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं कि बहू को भी पूरा अवसर मिलना चाहिए। मेरी राय ये है। और बाकी कभी आप लोगों से सानिध्य होगा तो मैं कुछ टिप्स दूंगा, बहुत सा लिटरेचर होगा वो भी हम आपको देंगे, और उसकी सेमिनार करिए। और सब्जेक्ट जब रखिए तो एक ही सब्जेक्ट रखिए, अगर रेप केसेस पे है तो उस पर ही पूरी चर्चा हो, या साइबर क्राइम है तो उस पर ही चर्चा हो, तो पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट होता है तो उसमें ज्यादा जो है विचार आते हैं और विचार व्यक्त करने का अवसर होता है। और ये छोटी छोटी बातें आई, थोड़ा सा उन्होंने कहा, थोड़ा सा, तो कंक्लूजन क्या निकलता है वो नहीं निकल पाता कायदे का। तो इसमें जी जी, नेक्स्ट टाइम आप लोग एक एक मुद्दे को लेके आगे हाँ, मेरी राय है एक एक मुद्दे पे आइए और पहले से सब्जेक्ट दे दीजिए, सब्जेक्ट दे दीजिए कि इस पे हम आपसे चर्चा चाहेंगे, इस पे एक्सपर्ट ओपिनियन दीजिए। जी जी, थैंक यू आदित्य जी, मुझे जब भी आप कांटेक्ट करेंगे, हाँ कांटेक्ट करिएगा, मैं पूरी मदद करूंगा आपकी। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। सरोज जी इलाहाबाद से, प्लीज वो अपनी बात रखे, चूंकि अर्चना जी के साथ मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, उनको अभी 5-6 मिनट लगेगा, उन्होंने फोन किया है, तो मैं चाहूंगी सरोज जी अपनी बात रखे। सरोज सिंह जी इलाहाबाद से, हो गई बात। सरोज जी माइक ऑन कर लीजिए, मेरी आवाज। क्या है, कुछ चाय बनाई? आधा कप बना देना, वो थोड़ी चाय बना देना, ज्यादा नहीं। सरोज जी मेरी आवाज आ रही है अब तक? शायद सरोज जी जुड़ नहीं पा रही है। तो कृति वाजपेयी हैं हमारे बीच में कानपुर से। कृति वाजपेयी जी प्लीज अपनी बात रखिए तब तक। नमस्ते मैम, सबसे पहले तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं मैं नमस्ते जरूर करूंगी, क्योंकि सभी एक्सपीरियंस वाइज बहुत सीनियर है मुझसे। एज वाइज तो शायद कुछ छोटे लोग हैं मुझसे, बट एक्सपीरियंस वाइज भी बहुत सीनियर है। और आज का ये पूरा सेशन मेरे लिए सुनना ज्यादा इम्पोर्टेंट था, इन कंपैरिजन कि मैं बोलूँ कुछ भी, लेकिन फिर भी जो अभी तक जितना कुछ भी सुना मैंने अभी तक एक्सपीरियंस जितने भी लोग हैं उन सबके मुँह से, स्टार्टिंग से ही हमारी सोसाइटी में प्रॉब्लम है ये। हम अगर डे वन से स्टार्ट करें टिल बर्थ अगर हम लेके चलते हैं, तो चाइल्ड रेयरिंग से ही हमें हमारे साथ कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट होता ही होता है, इन टर्म्स ऑफ टॉयज, इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ खाना, इन टर्म्स ऑफ कपड़े, बहुत सारी चीजें हैं। वो डिस्क्रिमिनेशन हमारे माइंड
जैसे अभी एक पायल जी ने बोला था नॉर्म्स की जो बात करते हैं, पायल मैम सॉरी कृति मैम एक और है, उन्होंने बोला था कि हम नॉर्म्स की बात करेंगे इन सब चीजों को लेकर, तो ये नॉर्म्स बचपन से हमारे अंदर डाल दिए गए थे, वो चीजें कहीं ना कहीं हम लोगों को कमजोर कर शुरुआत से कमजोर कर दिया है। हम लोग सेल्फ डिसीजन लेने में शायद आज भी उतने मजबूत नहीं है। हम आज भी जब भी कोई डिसीजन ले लेते हैं तो बहुत बार सोचते हैं कि लिया ठीक लिया कि नहीं लिया, किसी और से भी राय ले लें, इस तरह की चीजें रहती हैं। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि यहाँ जितनी भी अभी तक बात हुई वो सारी बात पोस्ट इंसिडेंट है, मतलब जब घटना हो गई उसके बाद केस हुआ, फिर हमने महिला को मजबूत किया या और भी बहुत सारी चीजें। हम प्री इंसिडेंट काउंसलिंग सेशन अरेंज कर सकते हैं जहां पर फीमेल्स को ही नहीं मेल्स को भी, दोनों के लिए दोनों का जानना बहुत जरूरी है। अगर फीमेल को ये पता है कि अगर कोई अब्यूसिव लैंग्वेज हमसे बोल रहा है, कोई उपडांग मैसेजेस कर रहा है तो वो क्राइम है, तो फीमेल से ज्यादा एक मेल का जानना जरूरी है कि वो किस टाइप के मैसेज करेगा तो सामने वाला उसको क्राइम की तरह से लेगा। तो फीमेल से ज्यादा मेल को अवेयर करना बहुत जरूरी है। अब उसको हम अवेयर वर्ड भी यूज कर सकते हैं, उनको समझाना भी बोल सकते हैं, उनको एक तरीके से लीगल टर्म्स भी उनको समझाने पड़ेंगे कि जो वो कर रहे हैं वो सही नहीं है। हर बार ये कहना कि तुम्हारे घर में बहन है, बीबी माँ नहीं है, नहीं, बींग अ मैन आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके कुछ दायरे हैं, अगर हमारी लिमिटेशन है तो आपकी भी लिमिटेशन है। आप औरत को कोई ऑब्जेक्ट समझ के ट्रीट नहीं कर सकते हर बार। इसके अलावा स्कूल कॉलेजेस लेवल पर जो भी काउंसलिंग सेशन होते हैं वो ज्यादातर मैंने पर्सनली जो देखे हैं वो सब फीमेल कॉलेजेस की तरफ ही ओरिएंटेड होते हैं। कि गुड टच क्या है, बैड टच क्या है, इस तरह की चीजें ज्यादातर देखी हैं। कभी भी किसी बॉयज कॉलेज में इस तरह के सेशन होते हो मैंने कम से कम मेरी अब तक की लाइफ में मैंने नहीं देखे कि बॉयज कॉलेज में इस तरह के सेशन हो कि अगर आप गर्ल्स के साथ इस तरीके का बिहेवियर कर रहे हैं तो वो एज अ क्राइम कंसिडर्ड होगा इन फ्यूचर। तो ये शुरू से उनको बताना बहुत जरूरी होता है। एक और बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मुझे इम्पोर्टेंट लगा, हो सकता है उतना इम्पोर्टेंट ना हो, साइबर सेक्सुअल एक्टिविटीज बहुत बढ़ गई हैं। ये पेंडेमिक जो टाइम चल रहा है इसमें साइबर सेक्सुअल एक्टिविटीज इतनी ज्यादा चल रही हैं क्योंकि हमारे यहाँ मेल का ये बड़ा नेसेसरी बिहेवियर है, मतलब मेल है तो सेक्सुअल एक्टिविटीज होनी ही होनी है। अभी तक जब वो बाहर जाता था, हर मेल ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर मेल ऐसा है, बट मैक्सिमम केसेस में जब वो बाहर जाता है तो उसके पास ऑप्शन होते हैं। आज की डेट में वो सिर्फ वाइफ या जो लिमिटेड फीमेल्स हैं जो उनके जिनके साथ वो इस तरह की एक्टिविटीज कर रहा है, उसकी उनकी गर्लफ्रेंड या व्हाटएवर, वो उनके साथ है, तो वो फ्रस्ट्रेशन का कारण बन जाता है। वहां पर भी कहीं ना कहीं वॉयलेंस क्रिएट होता है क्योंकि फीमेल के पास बहुत सारे और बहुत सारे काम रहते हैं। फिर फिजिकल टायर्डनेस भी एक बहुत बड़ी चीज है जो शायद मेल समझते नहीं उस चीज को। ये बहुत छोटी सी चीज है कि फिजिकल टायर्डनेस फीमेल में ज्यादा हो सकती है, मानती हूँ हो सकता है मेल में मेंटल टायर्डनेस हो बट फिजिकल टायर्डनेस फीमेल में होती है। पूरे दिन का काम करने के बाद रात को फीमेल थकी हुई होती है, बट इस दौरान ये सब चीजें बहुत सामने है, फोर्सफुल जिसको हम कह सकते हैं रिलेशनशिप की बात हो रही है। इसके अलावा अभी तक जितना भी मैटर रहा वो डोमेस्टिक वायलेंस पे रहा, मतलब घर की चार दीवार, नॉन डोमेस्टिक वायलेंस का एरिया बहुत बड़ा है, घर की चार दीवार के बाहर। और नॉन डोमेस्टिक का मतलब आज की डेट में नॉन डोमेस्टिक का एरिया एक्चुअली घर की दीवार के अंदर ही है। हम मोबाइल पे व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं या सोशल कोई भी साइट यूज कर रहे हैं, वहां पे हमको मैसेज आ रहे हैं, वो डोमेस्टिक वायलेंस नहीं है लेकिन वो वायलेंस है, वो नॉन डोमेस्टिक वायलेंस है। वो हमारे साथ घर की चार दीवार के अंदर ही रहा है लेकिन बहुत ही बेकार तरीके से हो रहा है, हम समझ भी नहीं पाते। हम एक्चुअली या तो ये कहिए कि हम जो अवॉइडेंस है या एक्सेप्टेंस है, हम कुछ चीजों को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि ये सोसाइटी, मतलब किसी अगर सपोज मैं अपने ऊपर लेती हूँ कि अगर मेरा कोई मेल फ्रेंड है, कोई हंसी मजाक कर रहा है, कोई उपटांग मजाक की, तो हम अरे फ्रेंड है बोल दिया क्या होता है, कोई बात नहीं, वो एक लेवल तक बढ़ता जाता है। और जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो वो बहुत कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल प्रेशर देता है। वॉयलेंस हर बार विजिबल हो जरूरी नहीं है। आज की डेट में वॉयलेंस करने वाला इतना समझदार हो चुका है कि वो विजिबल वॉयलेंस करता ही नहीं है, वो ऐसा कोई भी स्टेप नहीं उठाता है जिसे चोट सामने दिखे। वो जितने भी वॉयलेंस कर रहा है वो नॉन विजिबल वॉयलेंस कर रहा है।
जो दिखते नहीं है, वो सिर्फ वही पर्टिकुलर पर्सन फील कर सकता है जिसके ऊपर वो बीती है। तो इन सब चीजों को लेकर काउंसलिंग सेशंस बहुत जरूरी है। कोर्ट में भी वही केसेस आज की डेट में आते हैं जो विजिबल हैं, घरेलू हिंसा के केस, फीमेल को जलाया गया, फीमेल को मारा गया, क्योंकि वहाँ एविडेंस है। नॉन वायलेंस जितने भी हैं, नॉन विजिबल क्राइम जितने भी हैं, वो उनका कोई एविडेंस बहुत क्लियरली सामने आता नहीं है, लेकिन ये साइकोलॉजिकल लेवल पर बहुत गहरा असर डालते हैं, बहुत ज्यादा गहरा असर डालते हैं। और मैंने कई ऐसी फीमेल्स को देखा है जो इस तरह के केसेस में आई हैं, क्योंकि मेरा वर्क इस्लाम एरिया वगैरह में भी रहा है, और जो खासतौर पर नई बच्चियाँ जो ऑनलाइन चैटिंग स्टार्ट करती हैं, उनको कुछ चीज़ें शुरुआत में बहुत अट्रैक्ट करती हैं, बहुत आप बहुत सुंदर हैं, आप बहुत अच्छी हैं, आप बहुत, ये सब चीज़ें शुरुआत में बहुत अट्रैक्ट करती हैं, और ये ह्यूमन नेचर में ये अट्रैक्ट करेंगी, बट इसको आइडेंटिफाई करना हमको सीखना पड़ेगा। सबसे पहली ज़रूरत है मेल काउंसलिंग की। हर स्कूल, हर कॉलेज, हर बॉयज़ कॉलेज, हर इंटर कॉलेज बॉयज़ कॉलेज में मेल काउंसलिंग सेशन लगाने चाहिए, क्योंकि वहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है। और हर फीमेल को सेल्फ एडवोकेसी सिखानी पड़ेगी, उसको बताना पड़ेगा, उसको बोलना सीख, क्योंकि हमारी सोसाइटी में प्रॉब्लम ये है कि फीमेल बोलना नहीं समझ रही है। उनको उनको आज के डेट में सखी केंद्र जैसे जो काम कर रही है मैम नीलम मैम, मुझे लगता है कानपुर में 90% फीमेल्स को पता है कि क्या है प्रॉब्लम, उनको पता है कि उनके साथ गलत हो रहा है, बट वो बोल नहीं रही है। ना बोलने की वजह ही यही है कि या तो उनके पास शब्दों की कमी है, वो चाहती हैं अपनी बात रखना, लेकिन वो खुल के सामने नहीं आ पा रही। सेल्फ एडवोकेसी हर फीमेल का राइट है। हर बार हम किसी वकील का मुंह नहीं देख सकते, हमें अपनी बात सबसे पहले खुद अपने मुंह से निकालनी पड़ेगी, और तभी हम कुछ कर पाएंगे आगे इन फ्यूचर। साइबर एक्टिविटीज जितनी भी हैं, बस इन ब्रीफ मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि मेल काउंसलिंग सबसे पहले जरूरी है, फीमेल की जो बचपन से पालन पोषण हो रहा है उसको थोड़ा सा मजबूत बनाए, हर बार गुड़िया गुड्डे बेटी के हाथ में ना दें, शुरुआत में उसको एहसास कराएं कि तुम्हें और बेटे में कोई फर्क नहीं है, तुम दोनों एक लेवल पर बिल्कुल बिल्कुल सेम हो, बल्कि फीमेल को शायद नेचर ने बहुत कुछ ज्यादा दिया हुआ है। ये बात हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, बट ये रियलिटी है, फीमेल के पास बहुत कुछ ऐसा है जो शायद मेल से ज्यादा है। एक्सेप्टेंस मेल से ज्यादा है, अवॉइडेंस मेल से ज्यादा है, नेगेटिव पॉजिटिव सब कुछ मेल से ज्यादा है। तो मुझे लगता है कि मेल को आज की डेट में काउंसलिंग की बहुत जरूरत है। सबसे पहला काम तो मेल काउंसलिंग सेशन करने चाहिए, फीमेल्स को सेल्फ एडवोकेसी सिखानी चाहिए, फीमेल्स को ये सिखाना चाहिए कि वो सामने वाले की बात को नोटिस करें, आइडेंटिफाई करें। केवल मीम्स भेज देना, स्टिकर भेज देना, कोई भी इमोजी भेज देना, ये भी क्राइम है, ये भी गलत है, और ये सब चीज़ें अक्सर हम लोग छोटी छोटी चीज़ों को अवॉइड करते हैं, तभी ये आगे चल के बड़ा भूखे होता है। तो अवॉइडेंस छोड़ना होगा, प्री इंसिडेंट काउंसलिंग करनी होगी, मेल काउंसलिंग करनी होगी, और फीमेल्स को सेल्फ एडवोकेसी सिखानी होगी। अभी आज के लिए मैं बस नहीं, क्योंकि आप बहुत सारे सीनियर लोग हैं, मैं कुछ ज़्यादा बोल भी नहीं पाऊंगी। थैंक यू नीलम मैम मुझे इसका पार्ट बनाने के लिए, थैंक यू सो मच। अपना मैम अब मैं चाहूंगी अगर सरोज जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो प्लीज वो अपनी बात को रख दें। सरोज जी इलाहाबाद से हमारे बीच हैं। सरोज सिंह जी इलाहाबाद से, शायद काफी लोग, काफी लंबा डिस्कशन हो गया। मैं नीलम दीदी से रिक्वेस्ट करूंगी कि मुझे सारे लोग विजुअल नहीं हो पा रहे, बार बार नहीं, सरोज जी हैं। सरोज जी आपको अगर आवाज सुनाई दे रही है तो प्लीज आप अपनी बात रखें। सरोज जी आप सुन रही हैं? अभी हमारे बीच थोड़ी देर के लिए जस्टिस भार्गव जी आए थे, हमने सोचा था उनका नाम बोला जाए, लेकिन तब तक फिर वो चले गए। तरुण जी आपको आवाज सुनाई दे रही है? शायद वो अभी से
कुछ साथी शायद मेरे पास उनकी कनेक्ट कुछ साथी भी हैं जो अपनी बात रखना चाहते हैं, शायद उनका नाम इसमें शो नहीं हो पा रहा, तो मुझे पता नहीं चल पा रहा है वो लोग कनेक्ट हैं मीटिंग से कि नहीं। मैंने बहुत सारे साथियों को बताया कि वो लोग अपनी बात कह सकते हैं, वेरी सॉरी क्योंकि पूरी चीजें कुछ तकनीकी चीजें भी हैं जो शायद अभी हमें समझने में भी टाइम लगेगा। नहीं एक्चुअली क्या है कि कई लोगों का जो जूम है वो दूसरे के नाम से डाउनलोड है, इसलिए उसका लिंक उनका लिंक के नहीं आ पा रहा है। तो अगर आप में से किसी को भी की बात कहनी है तो प्लीज वेलकम। कोई प्रश्न है किसी के दिमाग में? अगर किसी के दिमाग में कोई प्रश्न है वो रख सकते हैं। अगर आपका कोई ऐसा प्रस्ताव है, ऐसा कोई सुझाव, ऐसा जो आपको लग रहा है आप सबके साथ बांटना चाहते हैं तो, नहीं तो फिर इसको एंड किया जाए। किसी का कोई सवाल है, हमारे जो भी साथी यहाँ पर इस पूरी मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो सिर्फ इस मीटिंग का हिस्सा रहे लेकिन उन्होंने अपनी बात को नहीं रखा, अगर उनके मन में कोई प्रश्न है तो हमारे स्पेशलिस्ट भी बैठे हैं और सभी लोग हैं, शायद वो लोग अपनी बात को बेफिक्र होके कह सकते हैं। हाँ कई लोग ऐसे भी हैं जो मोबाइल में तीन तीन चार चार लोग देख रहे हैं, यंग लड़कियां, तो उनके दिमाग में भी अगर कोई प्रश्न है तो वो रख सकते हैं। अर्चना हमें लगता है कि इसको हम सम अप कर दें। हमें अर्चना सिंह जी ने कहा था 5 मिनट में कनेक्ट होंगी, मुझे पता नहीं वो कनेक्ट हुए कि नहीं। अर्चना सिंह जी आपकी जो टेक्निकल प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई? अर्चना सिंह जी लखनऊ से, अगर वो मेरी आवाज सुन रहे तो प्लीज, क्योंकि ये मीटिंग खत्म होने वाली है, हम लोग चाहेंगे कि आपके भी अमूल्य शामिल हो सके। अर्चना जी नहीं है, नहीं शामिल हो पा रही है। नहीं ठीक है, तो मैं अब निवेदन करूंगी कि हमारे बीच हमारी सखी केंद्र की जनरल सेक्रेटरी और हमारी मार्गदर्शक नीलम दीदी जी हैं, वो इस मीटिंग को समाप्त करें और सबको धन्यवाद दें। थैंक यू दीदी। थैंक यू अर्चना। अर्चना ने ही इस मीटिंग, इस पूरे वेबिनार को ऑर्गेनाइज किया था, तो थैंक यू अर्चना, बहुत बहुत थैंक्स। और हमारे बीच जितने भी लोग हैं, हमारी दोस्त मीनू त्यागी, हमारी दोस्त पद्मा जी, कृति, पायल, लकी जो पिछले 30 सालों से हमारे साथ जुड़ी, बहुत सारे मित्रों को तो देख के लगता है कि इस जन्म का खाली है ही नहीं, हम सब पिछले जन्म से जुड़े हुए हैं और बहुत गहरे दिल में रिश्ते हैं। तो और कुछ लोग अभी नए जुड़ते हैं, जैसे कृति, कृति बैच के, पता नहीं क्यों वो बोलती है, वो उसको देखते हैं तो अपनेपन का एहसास होता है। तो बहुत सारे नए लोग, अभी पायल ने अपनी बात रखी, बहुत सारे। तो आज बहुत अच्छा लगा कि मैक्सिमम लोगों ने जीरो टॉलरेंस की बात रखी, तभी लोगों का मानना था कि हम लोगों को जीरो टॉलरेंस शुरू करना चाहिए कि नहीं। नो मीन्स नो, हर जगह, हम चाहे किसी वर्कप्लेस में है, अगर हमने नो बोल दिया है तो मीन्स नो है। नो का मतलब फिर ये नहीं है कि अगर आपने हमको टच करके बात किया और हमने आपको मना कर दिया तो दोबारा आप टच करेंगे तो ये क्राइम है। हमारे परिवार में अगर आपने हमको झिड़क के गंदी तरह से हमको हर्ट किया है तो उनको बताना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि उनको गुस्सा आ गई, बोल दिया होगा, नहीं, फिर वो बढ़ेगा। आप उनको कहिए कि जो आपका बात करने का टोन है
वो हमें अंदर तक हर्ट करता है और अब दोबारा आप ऐसे बात नहीं करेंगे क्योंकि ये क्राइम है। आप लोगों को बताती भी चाहिए कि यह हमारे बात करने का तरीका नहीं है, ये हमारा ये क्राइम है। हमने आज ये जो बहुत सारे कानून पाए हैं वो प्लेट पे रखे हलवे की तरह नहीं पाए हैं, उसके लिए बहुत प्रयास किए गए हैं, बहुत ज्यादा प्रयास किए गए हैं, तमाम आंदोलन किए गए हैं। मीनू हम लोगों ने बैठ के डोमेस्टिक जो प्रिवेंशन एक्ट है महिलाओं को घरेलू हिंसा से संरक्षण प्राप्त करने के लिए, पद्मा जी हैं, मीनू हैं, याद होगा हम लोगों ने कितनी मेहनत की है, कितने कानूनों में कितनी मेहनत की है, बैठ बैठ के कानून तब बने हैं। और उसमें भी हम लोग बार बार बैठते थे कि इनमें से देखो ये फिर घटा दिया, ये हटा दिया। जेंडर बजटिंग को लेके आज भी हम बीजिंग प्लस 25 के जो मुद्दे हैं आज भी हम देख रहे हैं कि भाई क्या एक्सपर्ट बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, अपनी बातें वहां तक भेज रहे हैं। तो हम बस्तियों और गांवों से लगा के इंटरनेशनल लेवल तक जो काम कर रहे हैं हम परमानेंट काम करने वाले हैं। अभी जैसे पद्मा जी ने कहा, अभी पद्मा जी नहीं है शायद, लेकिन पद्मा जी ने कहा कि हम 30 साल से काम, 30 साल से नहीं वो अनवरत काम कर रही हैं। मीनू ऐसा नहीं है कि अगर वो गिनाएंगी कि हम इतने, नहीं नहीं नहीं, उनकी पूरी जिंदगी इसमें चली गई है। तो हम लोग समाज के लिए जीने वालों में से हैं, लगातार जिए हैं एक एक क्षण। हमारी हमारे जैसे लोग जो कानपुर में और उत्तर प्रदेश में नेशनल अलायंस ऑफ विमेन हम लोगों ने नेशनल लेवल पे बनाया, शहर हम लोगों ने बनाया, हम लोग जिस तरह से लगे हुए हैं, हम हर पल महिलाओं के लिए, हम अपने लिए सोच रहे हैं, अपने लिए लड़ रहे हैं। तो हमें लगता है हम लोगों को इसीलिए जब कभी कोई कहता है सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट, वर्क प्लेस प्रिवेंशन एक्ट के बारे में, अरे उसको तो हम लोगों ने एक एक लाइन तैयार की है भाई। हम लोगों ने भावरी देवी के केस में जाके उनके गांव में जाके जांच की है, वहां बैठ के धरना प्रदर्शन किया है। तो पूरे के पूरे कानून के बारे में एक एक लाइन याद है, एक एक चीजें याद है। तो हमें लगता है कि बहुत जरूरी है हम लोगों को इस तरह से बैठना और जुड़ के काम करना। हमने कहा ना अलग अलग फ्रंट हो सकते हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग मुद्दों पे काम कर रहे हैं। हो सकता है हमारे अभी यहाँ तो सभी एक है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका कुछ चीजों में हमसे वो सहमति ना हो, लेकिन कोई बात नहीं, इस मुद्दे पे सहमति है। जेंडर इक्वालिटी लानी है इस देश में, इसके बारे में सहमति है, क्योंकि यह तो ILO भी कह रहा है, यह तो वर्ल्ड बैंक भी कह रहा है कि जिस दिन हमारे देश में जेंडर इक्वालिटी हो जाएगी तो GDP में दहाई का अंतर हो जाएगा। हमें जेंडर इक्वालिटी सिर्फ अपने लिए नहीं लानी है, अपने परिवार के लिए नहीं लानी है, हमको इस देश की बेहतरी के लिए लानी है। क्योंकि जब जेंडर इक्वालिटी होगी तो उसका एक असर, बहुत अच्छा असर हमारी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हर तरह की व्यवस्था पर पड़ने वाला है। आज बहुत अच्छा लगा और आदित्य नारायण जी ने जो बात की वो बहुत अच्छी बात की कि हम लोगों को एक एक मुद्दे पे रखना चाहिए। और हम लोग इधर लंबे समय से रख भी रहे हैं, हमें लगता है हमारी लगातार वेबिनार चल रही हैं और उनको हम जो भी हमारे संगठन में जो भी कोऑर्डिनेट कर रही हैं उनको जो मुद्दा समझ में आ रहा है कि हमारी जरूरत है, उसके आधार पर ही वो रख रही हैं। तो ये बहुत अच्छा उन्होंने कहा। जैसे कल हमारा रोजगार पे था, वेमेन एम्पावरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट पे था, उसके पहले ऐसे लगातार चल रहे हैं और बहुत अच्छे सुझाव आ रहे हैं। हम एडिट करके आप लोगों को जरूर भेजेंगे वीडियोस। और ये सिर्फ एक समअप नहीं है, एक शुरुआत है। हम लोग बहुत लोगों से बहुत बहुत दिनों में तक बात नहीं कर पाते हैं, लेकिन रिश्ते वैसे ही रहते हैं, वैसे ही गहरे रिश्ते।
तो उन गहरे रिश्तों को और गहरा करने के लिए हम लोगों को कुछ कैंपेन शुरू करनी होगी और एक सुर में इस समाज को बदलने की शुरुआत करनी होगी। रशियन कवि कहते हैं ना कि आपके हाथ में जो कुछ है, आपके हाथ में कलम है तो लिख कर, आपको बोलना आता है तो बोल कर, आपको गाना गाना आता है तो गा कर, एक्टिंग करनी आती है तो एक्टिंग करके, मुस्कुराना आता है, अभी मेरे को लकी की मुस्कुराहट को देख के याद आया जो कुछ आपको आता है, चलो हम सब मिलके इस देश की सूरत बदलने के लिए चलें। और वायलेंस महिलाओं के ऊपर खत्म करें, पैट्रियरिकल वैल्यू बेस्ड सोसाइटी को मिनिमाइज करें उस सोच को, क्योंकि पैट्रियरिकल वैल्यू बेस्ड जो सोच है वो हमारे अंदर भी है, हम महिलाओं में भी है, हमें उसको भी निकालने की जरूरत है। तो सबको बहुत बहुत शुक्रिया सब लोगों का, और बहुत अच्छा लगा, सब लोगों ने 2 घंटे तक ज्वाइन किया। हमारे बीच कई लोग आए, जस्टिस भदौरिया जी अभी आए, थोड़ी देर रुके, उन्होंने सुना, हमने सोचा उनका नाम बोलेंगे लेकिन वो शायद, असल में कई लोगों को हमने बोला था कि आप लोग थोड़ी देर के लिए चाहे ज्वाइन करिए, आइएगा जरूर, लेकिन बहुत हम देख पा रहे थे, शायद अर्चना देख नहीं पा रही थी कि कौन लोग आ रहे हैं, तो हमको लगा कि इनका नाम बोलेंगे लेकिन लेकिन कोई बात नहीं, उन लोगों को भी शुक्रिया जिन्होंने थोड़ी देर मीटिंग हमारी वेबिनार को सुना, थैंक यू, नमस्कार सब लोगों को, बाय बाय, ओके ओके नमस्कार, बहुत अच्छी मीटिंग, बहुत अच्छा वेबिनार, थैंक यू सबको, थैंक यू नीलम जी, सुधा जी ने भी, सुधा जी कहीं बाहर थी शायद, लेकिन सुधा जी ने भी पूरी मीटिंग अटेंड की है, तो उनको भी, सभी लोग ने अटेंड की, बहुत अच्छा लगा, ओके बाय बाय, थैंक यू, बाय बाय।